नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वाईफाई स्ट्रीम की बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, विच इज द पार्ट ऑफ वन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमारी कंप्यूटर क्विज चलती है यहाँ पर। आपको पता है कि हर सैटरडे और संडे को वाईफाई स्टडी के इस मेन चैनल पर दोपहर को 12 बजे हम लोग आते हैं और कंप्यूटर की बेहतरीन एमसीक्यू की, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नाम, उसकी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जितने भी प्यारे प्यारे विद्यार्थी, और फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट, ताकि आज का जो हमारा सेशन है उसकी हम बेहतरीन तरीके से शुरुआत कर सकें। फटाफट से एक बार प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जुड़ जाइए। यस, वेरी गुड आफ्टरनून यदवीर सिंह, प्रेमलता, प्रभा, दीपिका, विमला, जितने भी लोग हैं फटाफट से एक बार जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। देखिए आज का जो हमारा बेहतरीन तो सेशन है उसकी हम शुरुआत करें, फटाफट से जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। यस, चलेगा चलेगा, आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा हूं मैं क्या आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे रहा हूं? यस, वेरी गुड, बिल्कुल आवाज आ रही है मेरी आप सब लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, चले चले चले, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जितने भी लोग हैं फटाफट से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, ताकि जय श्री राम, सारिका मेहरा जी, जय श्री राम, अरुण राजपूत जी, दीपिका शेखावत, वेलकम वेलकम, हेलो वेलकम वेलकम, जितने भी लोग हैं फटाफट से जुड़ गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चले, ये जो कंप्यूटर के एमसीक्यू के, आपको पता है, रोज दोपहर को 12 बजे, यानी कि हर सैटरडे संडे को यानी कि वीकेंड पर हम करते हैं, और ये हमेशा चलती रहेगी 12 बजे। आपको रेगुलर अगर क्लास देखनी हो तो वाईफाई 2.0 पर रोज शाम को 7 बजे, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं इस प्रकार से अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, जिन भी प्यारे विद्यार्थियों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा, मेरा नाम सर्च करिएगा यहां पर, पंकज कुमार के नाम से मैं आपको दिखूंगा, और यहां पर मुझे कर लीजिएगा डायरेक्ट करके फॉलो। जितने भी विद्यार्थी हैं वहां पर फ्री स्पेशल क्लासेज चल रही हैं, सारी की सारी जो क्लासेज है वो कैसे चल रही है प्यारे विद्यार्थियों, एकदम फ्री, क्योंकि स्पेशल क्लासेज है। आप लोग मुझे जाकर के सर्च कर सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है, आपको मैंने दिखा दिया। यस, ठीक है ना, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप जाकर के मुझे सर्च कर लीजिए, ठीक है। ये एजुकेटर दिखेंगे, ये मेरे साथी हैं, मैं नहीं हूं, ध्यान रखिएगा, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे अपने साथी हैं। एजुकेटर सामने जाकर के आप करना सीओल, सीओल पर क्लिक करना और आपको दिख जाएंगे लिस्ट के अंदर मेरा नाम यहां पर, ठीक है ना, बिल्कुल। आपको कंप्यूटर क्लास वहां पर डेली मिलेगी। अगर बात करूं कि जो भी बच्चा यहां पर पढ़ना चाहता है, अगर कोई भी आप कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो आपका सदाभार एक कोड लगेगा, PNKJ, रेफरल कोड है ये, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड देगा किस प्रकार से, मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया, यहाँ पर आप कोई भी खरीद सकते हैं, भले ही RPSC हो, जो कुछ भी हो, जैसे मैंने RPSC का लेते हैं, 6 मंथ का लेते हैं, 5600 रुपए का है। जैसे ही आप मेरा कोड लगाते हैं PNKJ रेफरल कोड, वो जाकर के 10% का डिस्काउंट बन करके हो जाता है मात्र 5000 रुपए का, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिएगा, ये जो कोर्स है 7000 रुपए का, जो कि आपका एक साल का है, वो मिलेगा आपको यहां पर 6300 रुपए का, जो 8400 रुपए का 2 साल का, वो 7560 का, कब, जब आप मेरा कोड लगाएंगे PNKJ10। भूलिएगा मत, आपको कोई भी कोर्स खरीदे तो PNKJ10 लगाना। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं फटाफट से एक बार हेलो वेलकम सब लोगों का, जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए आज अपने वीडियो सेशन को। बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे हो आप, जितने भी लोग हैं भाई, सबसे पहले आपको पता है कि आप आते हो और आते ही सबसे पहले आपको जो ठोकना है वो लाइक करिएगा। आप लोग मुझे सर्च कर लेना पंकज कुमार के नाम से अन अकेडमी का लर्निंग ऐप पर, बिल्कुल साइन इन बिल्कुल फ्री है, आप साइन इन कर लीजिएगा, मुझे सर्च कर लीजिएगा, मेरी क्लास आपको वहां पर रेगुलर मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों। फटाफट से आप जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्वेश्चन जाकर दीजिए, CCC के लिए भी इंपॉर्टेंट। यस यस यस, ओनली कंप्यूटर क्लास है, ओनली कंप्यूटर क्लास है, समझ के बात मेरी। चले, नहीं साहब अरुण राजपूत जी, अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आप कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं, ओनली कंप्यूटर नहीं, आप कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं, बाकी और सब। क्या होगा, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, डेली इंटरेटिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगी, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा आपको, PDF मिलेगा पूरा का पूरा, भाई आप क्या कोर्स है उसका पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, सिलेबस, लाइव मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, क्विजेज आपको मिलेंगे। जी बिल्कुल, चले पूछे अगला, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोगों को कमेंट करना और आपको जवाब देना है। रॉयल गौरव जी, बिल्कुल निशुल्क चल रही है, उसके ऊपर स्पेशल क्लासेज चल रही है भाई प्यारे विद्यार्थी, स्पेशल क्लासेज चल रही है। यस, ठीक है ना, पता है सब बच्चे जो क्लासेज लेना है उनको पता है, स्पेशल क्लासेज बिल्कुल वहां पर फ्री चल रही, समझ के बाद में, जल्दी से जुड़ जाओ आप लोग, जल्दी जुड़ जाओ और मुझे फटाफट से इसका कमेंट करके बताओ जल्दी से। आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया, आप लोगों ने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, ना आपने लाइक किया भैया, ना आपने शेयर किया, ना आपने क्या किया है, लाइक किया है, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है वो कौन सा, कमेंट करना आपको। टेक्निकल दिव्यांश जी, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ जाइए। यस, कह रहा है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, बाकी सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, कौन सा नहीं है वो देना, यानी कि 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एक नहीं है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है यहां पर, आप दीजिएगा जवाब।
रॉयल गौरव राइट जवाब आपका, मात्र एक बच्चे ने दिया यहां पर जवाब, सोनम सोनम अस्थी राइट जवाब जी, बिल्कुल राइट जवाब एक का प्यारे बच्चे, यस बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम लता राइट जवाब आपका, बहुत कम आपके कमेंट आ रहे भैया, बहुत कम आप लोग जवाब ही नहीं दे पा रहे, आपका जवाब ही नहीं बन रहा, जवाब बनेगा कहां से, आप लोगों ने अभी तक इन चीजों को पढ़ा ही नहीं है, इन चीजों को आपने क्लियर ही नहीं किया भैया। फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए और फटाफट से मुझे बताइएगा क्या इसका होगा, जल्दी से बताइए फटाफट से प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जुड़ जाइए और मुझे बताइएगा तुरंत। बिल्कुल पीहू सैफी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चले जागृति राइट जवाब है, उपेंद्र यस ध्यान रखेगा, यूनिक्स यूनिक्स है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, समझ गए बात मेरी, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। जितने भी हैं प्लीज क्लास, जो लिंक है आपका क्लास का, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के बीच में ताकि सब लोग एक बार फटाफट जुड़ जाए। देखिए अब मैंने दे रखा व्हाट इज यूनिक्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि यूनिक्स क्या है, मैंने आपको पूरा बता रखा है। यूनिक्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोल प्रोग्राम दैट हेल्प्स द यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में और यूजर के बीच में जो कम्युनिकेशन को जो हेल्प करता है, जो सहायता करता है, वो कौन काम करता है? वो यूनिक्स काम करता है, ठीक है ना? बिल्कुल। यूनिक्स का डेवलपमेंट कब हुआ था? 30 साल पहले हुआ था, ठीक है ना? बेल लैब्स के अंदर हुआ था, सारा इसके अंदर दे रखा है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था। यूनिक्स वाज डिजाइन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एक्सपर्ट्स यूज इन हाई एंड वर्क स्टेशन सर्वर एंड होस्ट में यूज करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था? यूनिक्स का। बिल्कुल, तो आई होप इसका जवाब आप सब लोगों ने गजब दिया, ध्यान रखिएगा। यस, इसका जवाब सबने शानदार दिया, बिल्कुल ए इज राइट आंसर है, बिल्कुल ए इज राइट आंसर है सबका। फटाफट से जुड़ जाओ भाई, आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं, फटाफट से शेयर भी कर दो, आप लोग लाइक भी खड़ो, अभी जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट से लाइक ठोक दो अपने वीडियो को, देखिए आपने वीडियो को लाइक किया या नहीं किया। चलेगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। अच्छे अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूं, दीजिएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है, क्या प्रकार है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देखिए फटाफट से। हेलो वेलकम नीलम, जल्दी जो लोग जवाब दे रहे हैं वो कमेंट में नंबर 2 लिख करके फिर कमेंट करना है, ऐसे आगे ऐसे नहीं करना, ठीक है ना? ध्यान रखना ये आपका ये जो चल रही है पीवाईक्यू भी है और एमसीक्यू भी है, समझ गए ना? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है ना? और प्रीवियस जो एग्जाम है उनके तो पूछे गए क्वेश्चन है। यस दीजिएगा नंबर 2 का, डॉट मैट्रिक्स वो प्रिंट करता है, वो डॉट मैट्रिक्स इस प्रकार से करेगा, ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। मान लीजिए मेरा नाम मेरे को लिखना है पी ए, तो इस प्रकार डॉट के हिसाब से ऐसे वर्ड को टाइप करेगा, डॉट के हिसाब से ऐसे टाइप करेगा। यस एस, समझ गए? एस ये है डॉट मैट्रिक्स इस प्रकार से। गलत जवाब किसी का, कई लोग कह रहे हैं लेजर, भैया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है वो किस में आएगा? जिसने प्रिंटर पढ़ा होगा एप्लीकेशन पर, जिसने क्लास ली होगी उसको पता होगा कि प्रिंटर के पूरे टाइप मैंने आपको समझाए हैं, पूरा आपको मैंने बताया है, ध्यान रखिएगा। नहीं पता, चलो मैं डॉट मैट्रिक्स आपको दिखाता हूं, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। कई बार आप बिल वगैरह भरने जाते हैं या फिर आपने कहीं भी किसी बड़े ऑफिस वगैरह में देखा होगा, पूरी की पूरी ऐसे एक सीरियल वाइज एक लाइन को क्या करता है, टाइप कर, दिख रहा आपको? ये देखिएगा, ये देखो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देखो इस प्रकार से ये जो प्रिंटर है ऐसा आवाज करते हुए चलता है, ये कहलाता प्यारे बच्चों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, टक टक करके जो चलता डॉट मैट्रिक्स है। तो इसका जो राइट जवाब होगा, सुन लीजिए मेरी बात, इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा सीरियल प्रिंटर का। बिल्कुल बी इज राइट आंसर है, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बी। मेरा क्यूट रवि, साक्षी जोशी जी बिल्कुल राइट जवाब, प्रभास सैनी राइट जवाब आपका, जागृति कुमारी राइट जवाब आपका। बिल्कुल जो लोग नहीं दे रहे हैं जवाब, सुन लीजिए कमेंट करना है, उन्हीं का नाम लूंगा मैं यहां पर। ये जो प्रिंटर आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिखा, ये सीरियल प्रिंटर का उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है, इन प्रिंटर को कहते हैं सीरियल प्रिंटर, ठीक है ना? कैसा प्रिंटर कहते हैं? सीरियल प्रिंटर, ओके, सीरियल प्रिंटर का एग्जाम्पल है। चले इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स। बिल्कुल, चले गुड, वेरी गुड। चले अगला क्वेश्चन ये लिखो,
विंडोज को किसने विकसित किया, बार बार आप कहीं पढ़ते हो विंडो 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 है, उसको किसने विकसित किया, HCL द्वारा, IBM द्वारा, वोडो एक्सेल द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा, विंडोज, विंडोज का जो डेवलपमेंट किया गया वो किसके, विंडोज है डेवलप्ड बाय HCL, IBM, वोडो एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, दीजिएगा फटाफट। जागृति कुमारी कह रही है सर PDF कहाँ मिलेगी, बिल्कुल मेरे पुराने वीडियोस आप जाकर देख लेना आपको पता चल जाएगा, यस, या फिर डायरेक्टली मुझे अनअकैडमी पर मैसेज कर लेना, आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल पर जाकर के आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लेना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा जी, दीजिए जवाब जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल राहुल पगारे राइट, नरेंद्र सिंह, जो भी लोग जवाब दे रहे हैं नंबर 3 डाल करके फिर जवाब दे भैया। रविकांत तिवारी जी राइट जवाब, रोक स्टार राइट जवाब आपका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। लक्ष्मी, मनीषा, संजय सेन जी बिल्कुल राइट जवाब आपका, पायल मेघवाल जी राइट जवाब आपका, वेरी गुड, के अंजलि जी राइट जवाब आपका, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट को भाई अपन पढ़ते नहीं है क्या, MS विंडो पढ़ते हैं, MS विंडो, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, कैसे अब विंडो कैसे कैसे डेवलप हुई थी देखो आपके सामने चित्र आ रहा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडो वॉज अनाउंस बाय बिल गेट्स, ये दिख रहा आपको व्यक्ति, ये माइक्रोसॉफ्ट का CEO है, संस्थापक है बिल गेट्स, नवंबर 10, 1983 को माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ था विंडो एज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर MS DOS विच हैज बीन इंट्रोड्यूस एज ए कपल ऑफ ईयर अर्लियर, ठीक है ना। अब कैसे कैसे आया था देखिएगा, ऐसे ऐसे आया था कि सबसे पहले जो हुआ था डेवलपमेंट, सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ था वो किसका हुआ था, वो हुआ था विंडो फर्स्ट आई थी 1985 के अंदर, 1985 में विंडो फर्स्ट आई, फिर 1992 के अंदर विंडो 3.1 आई, 95 आई थी वो 95 में आई, विंडो XP 2001 में आई, इंपॉर्टेंट है भैया इसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है ना। विंडो विस्टा 2006 आई थी, 2006 में आई, विंडो 7 2009 के अंदर आई, क्लियर आपको दिखा रहा का मैंने चित्र में देख लो, विंडो 8 2012 में आई, और विंडो 10 जो प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों वो 2015 के अंदर आई, ठीक है ना, चित्र में देख लेना आप लोग, मैं देखो मेरे थोड़ा सा पीछे छुप गया होगा, विंडो फर्स्ट 1985 में, विंडो 35 ये पूरा का पूरा इस प्रकार करना, यानी 1985 से लेकर के और अब तक जो प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं विंडो 10 का, ये पूरा का पूरा इसका हिस्ट्री था, पूरी की पूरी हिस्ट्री थी, स्क्रीन पे देख लीजिए आप लोग, जो अनाउंस किया गया था 1983 में किया गया था, लेकिन जब लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया वो 1985 में विंडो फर्स्ट के नाम से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विंडो 95 के बाद में, विंडो 95 के बाद में कौन सी विंडो आई, विंडो XP, ठीक है ना, विंडो XP आई, चले यहां मत कर, बिल्कुल। विजय कुमार कुमावत कह रहे हैं बहुत पैसे हैं इसके पास, बिल्कुल बिल गेट्स के पास बहुत पैसे हैं भाई, आप भी बनो पैसे वाले, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी के अंदर कि नाम हो जाए, समझ रहे हो ना। ये लीजिए, एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला रो डेटा का कॉलम या कॉलम डेटा को रो दर्शाता है, विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट रो और कॉलम डेटा ऑफ डेटा इन ए रो एक्सेल। आपको पता है कि हम सेल वगैरह का बारे में बताया था आपको, रो के बारे में बताया आपको मैंने, कॉलम के बारे में बताया, फॉर्मूला बार के बारे में आपको बताया। मेरा क्यूट रवि कह रहे इंग्लिश, अरे क्या चाहता है भाई रवि, क्या चाहता है जल्दी दीजिएगा, जो को क्या करता है एक्सेल में फॉर्मूला रो डेटा का कॉलम या कॉलम को डेटा को रो को दर्शाता है वो कौन सा होता है, दीजिए जवाब फटाफट से। विजय कुमार कुमार कह रहे अभी कौन सी बेटर है सर, नंबर 10 चल रही है अभी तो बेटर ज्यादा। रूपाली पांडे राइट जवाब, बिल्कुल राइट जवाब, सबसे पहले रूपाली पांडे ने जवाब दिया, वेरी गुड प्यारे बच्चे, बहुत ही गजब का जवाब दिया है, यस। सयंक घोष राइट जवाब आपका, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, नहीं साहब नहीं आया अभी किसी का जवाब, सयंक घोष जी राइट जवाब बिल्कुल नहीं आया किसी का। ध्यान रखिएगा जो लोग बी और सी पर फंस रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूं, पहले देख लीजिएगा, ये लिखा जो ट्रांसफोर्स फंक्शन है, दिख रहा है आपको ट्रांसफोर्स फंक्शन, ये देखो आपको क्या करके दिखा रहा है, आपको मैंने प्रैक्टिकली वो चीज बता रहा हूं, आप समझिएगा चीज को, एक्सेल का वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बार को आपको दिखा रहा है, इक्वल जहां पर आ रहा है सामने तो वो फॉर्मूला यूज करेगा, लुकअप एंड रेफरेंस में जाएंगे ट्रांसपोज, वहां पर देखेगा कन्वर्ट ए वर्टिकल रेंज टू सेल टू हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में दोनों, कौन सा बताएगा ट्रांसपोज फंक्शन, कौन सा करेगा ट्रांसपोज फंक्शन, दिख रहा है आपको, यस।
बिल्कुल देखिए किस प्रकार से अब हमने लगाया ऊपर की तरफ, ये रहा ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब इसमें लगाया इसके अंदर कोलन, इसमें इफ लगा करके ब्रैकेट, और पूरा यहां पर जो भी आपने रो कोलम लिया है उसका पूरा टोटली दिखाएगा। तो ये फंक्शन कहलाता है ऑप्शन के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो राइट जो आंसर होगा प्यारे बच्चों ट्रांसपोज, समझ गए ना। यस, जिनको ये क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो प्रॉपरली जवाब नहीं दे पा रहे, ध्यान रखिएगा, वो लोग आप लोग आ सकते हैं अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर। वहां पर थ्योरी की क्लास भी होती है प्लस क्वेश्चन भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, वहां थ्योरी की क्लास भी होती है प्लस क्वेश्चन आंसर भी चलाता हूं, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से वहां पर जवाब दे पाएंगे, समझ गए बात मेरी। चले आप सुनो बात मेरी जल्दी से फटाफट से, जितने भी लोग जुड़े एक बार फटाफट से लाइक ठोक दो भाई, जितने भी लोग जुड़े फटाफट से लाइक ठोक दो, चलेगा, शेयर भी करते रहो फटाफट। यस, डी इज राइट आंसर है, जितने भी लोग, डी इज राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन ये लीजिए। कीबोर्ड में कुंजियां होती हैं, कीबोर्ड्स हैव कीज, अल्फा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल फंक्शन या ऑल दी अबो, ठीक है ना। दीजिए का जवाब, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, फटाफट से शेयर करते रहो भाई, संजय शेयर कर दो फटाफट। अल्फा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल या फंक्शन, कीबोर्ड में कुंजियां होती हैं, जल्दी जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग महावीर जी, गुड मॉर्निंग। नंबर फाइव का आपको जवाब देना, फटाफट से जवाब ठोकते रहे, जवाब जो बनता है जिनका फटाफट से जवाब ठोकते नहीं, बोल जल्दी से। यस, आ गया जवाब। यस, दान के का संजय राइट जवाब, विजय प्रभा, दामिनी अग्रवाल, रूपाली पांडे, बिल्कुल विकास बेनीवाल जी राइट जवाब आपका, दीपिका सेकावा, टेक्निकल दिव्यांश, बिल्कुल दान के का ऑल दी अबो, अल्फा न्यूमेरिकल भी होती है, न्यूमेरिकल भी होती है, फंक्शन भी होती है, समझ गए ना। बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर जो बच्चा अरिशेटी वगैरह के कर रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप राजस्थान पुलिस के एग्जाम देंगे, कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है, पटवारी का एग्जाम देंगे, कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है, बैंक की देंगे उसमें भी आती है आपको पता है, एसएससी का देंगे उसमें भी आएगा, रेलवे में आजकल कंप्यूटर हर जगह यूज किया जा रहा है, इसलिए ये रेगुलर क्लासेज है, बेसिक क्लासेज है, और गजब और शानदार क्वेश्चन। आप देखो भाई, आप कह रहे हो कीबोर्ड में कुंजियां, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा पहले तो वो पढ़ो कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कुंजियां होती हैं। ये देखेगा चित्र आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये मैंने आपको दिखाई है कीबोर्ड। चले देखो ऊपर की तरफ F1 से F12 होती है फंक्शन की, सबके अलग अलग काम होते हैं, बताया मैंने आपको, समझ गए ना। हेल्प के लिए F1 का यूज करते हैं, F12 सेव एज के लिए यूज करते हैं, F5 रिफ्रेश के लिए करते हैं, सब मैं पढ़ा चुका हूं। मनीष यादव कह रहे हैं सर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगा, ओके ओके ओके, चलेगा। अब सुनो, नीचे जो भी आपको ये दिख रहा है ये पूरा का पूरा ये कहलाता है अल्फाबेटिक या अल्फा न्यूमेरिकल, ये वाला विंडोज बटन कहलाता है, ये स्पेस बार कहलाता है, ये वाला एरो कीज कहलाता है, ये पूरे के पूरे न्यूमेरिकल कीज कहलाते हैं, समझ गए ना। और यहां पर जो ये लाइट है ये कहलाती है इंडिकेटर कीज, क्या कहलाती है इंडिकेटर कीज, ओके, ये फंक्शन कीज कहलाती है, इसमें ये सारी इतनी सारी चीजें होती है पूरा इसके अंदर, चलेगा बिल्कुल। अब सुनो बात मेरी, आप कह रहे हैं कीबोर्ड में कुंजी अल्फा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल फंक्शन, फंक्शन भी आ रहा है, ठीक है ना, अल्फा न्यूमेरिकल भी यहाँ पे आ रहा है, न्यूमेरिकल भी यहाँ आ रहा है कि नहीं। अल्फा न्यूमेरिकल जो ऊपर की तरफ नंबर दिख रहे हैं ना आपको, जिसके अंदर देखो आप ये पूरे एट द रेट हैच डॉलर ये दिख रहे हैं, प्लस उसके साथ में एक दो तीन नंबर भी दिख रहे हैं, ये अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल कहलाते हैं, अल्फाबेटिक ये वाले कहलाते हैं, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। बिल्कुल राइट जवाब आप सब लोगों के, जितने लोग भी दे रहे हैं। चले, एक नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती हैं बताइए, आप कमेंट करके बताओ, एक नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है उसमें कितनी से कितनी कीज होती हैं, जल्दी दीजिएगा। 104 से लेकर, वेरी गुड, 104 से लेकर के 110, 20, 14, 108 कितनी भी हो सकती है ना नॉर्मली, एक जो बेसिक कीबोर्ड होता है उसमें 104 से 108 कीज होती है। यस, समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 104 कीज नॉर्मली होती है और 108 आप अलग अलग फंक्शन के हिसाब से उसके अंदर अलग अलग बटन देने लग जाते हैं। यस, चलो अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं साहब, इसको शेयर करते रहे, आप लोग लाइक नहीं कर रहे भैया, जितने भी लोग हैं आज लाइक का टारगेट रखेंगे हम लोग, ध्यान रखना आज लाइक का टारगेट 500 रखूंगा, इस क्लास को जब तक नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को जब तक 500 लाइक इस पर नहीं हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। विजय कुमार कह रहे हैं दिस इज माय फर्स्ट क्लास, बिल्कुल, जिन लोगों को रेगुलर क्लास चाहिए अनअकैडमी पर पंकज कुमार नाम से मुझे सर्च कर लेना आप लोग, किसके नाम से कर लेना, पंकज कुमार के नाम से आप मुझे सर्च कर लेना, वहां पर आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके प्लस कंप्यूटर की रात को 9 बजे थ्योरी क्लास प्लस आपको एमसीक्यू की क्लासेज होती है, बिल्कुल, जितने लोग फटाफट से जुड़िएगा। यस, वेरी, कंप्यूटर में आंकड़ों की गलती को निम्न में से क्या कहा जाता है, नंबर 6 का दीजिएगा जवाब, विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड ए मिस्टेक इन ए कंप्यूटर डेटा, जल्दी दीजिए जवाब फटाफट प्यारे विद्यार्थियों।
साक्षी, शुभम, संदीप, मनीष, बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब आपका सबका। के मंजली, मोतीलाल जी, संजय, अतुल यादव, सचिन, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, उसको कहते हैं बग। बग जो होता है एक्चुअल में, अगर हिंदी में अगर बोले तो बग का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से, एक विशेष कोई कीड़ा, ठीक है ना। यस यस, ध्यान रखिएगा, ए इज राइट आंसर यहां पर। बग, बग होता है वो कंप्यूटर में जो भी आंकड़े होते हैं उसमें कोई गलती हो जाती है, उसको कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं बग। क्या कहते हैं? बग, बिल्कुल। ए इज राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों, ए इज राइट आंसर है, बग इज राइट आंसर है यहां पर। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से क्या कहते हैं? बग इज राइट आंसर है, चलेगा। बग इज राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, बग इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल और पहचान चिन्ह पठन यानी कि ओमार है, ऑप्टिकल मार्क रीडर के बारे में पूछ रहा है। ऑप्टिकल और पहचान चिन्ह पठन यानी ओएमआर है, पढ़ा चुका हूं, ओसीआर, ओएमआर सब पढ़ा चुका हूं। जिनको आता है एक बार वो क्या करना, कमेंट भी करना। यस यस, बग यानी त्रुटि, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी जवाब दो फटाफट। प्रेमलता कह रहे सर थोड़ी क्लास कितने टाइम होती है? वही रात को 9 बजे। अभी तो मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इस लोग थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, अभी मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं आप लोग। चलेगा, एक वो रुको, अभी एक दो तीन लोग हैं जो फालतू कमेंट कर रहे हैं, उनका जवाब दे दूं मैं। ऋग्वेद चौधरी नाम का कोई लड़का है जो सिर्फ लड़कियों पर ध्यान दे रखा है, तेरी जिंदगी खराब होने वाली है, ध्यान रखना। तू यहां पर जो तू कर रहा है ना, ये सिस्टम ठीक नहीं है तेरा। अभी रुक, तुरंत टाइप कर, तेरे को ब्लॉक करता हूं मैं। यस, दीजिए जवाब फटाफट से। नंबर 7 का जवाब दे दो भाई, क्या है जल्दी दे दो नंबर 7 का जवाब। नंबर 7, यस वेरी गुड। जागृति, विजय, यदवीर सिंह जी राइट जवाब, मोतीलाल नायक बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब जी, बेसिक क्लास। यस विजय कुमार जी, बेसिक है, डॉक्यूमेंट रीडर कह रहे हैं नरेंद्र। ओके ओके, ध्यान रखिएगा, वेरी गुड, गजब का जवाब है। यस भैया, दस्तावेज पाठक यानी डॉक्यूमेंट रीडर। भाई आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास में, ऑफलाइन एग्जाम की बता रहा, तो आपको एक ऐसी सीट देते हैं जिसके अंदर आप इस प्रकार से वो चार गोले करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं वहां पर, अगर आप रेगुलरली लिखें, अगर आप रेगुलरली मान लो कितने सारे करोड़ों एग्जाम देंगे रेलवे का, और वहां पर रिटर्न में एक एक की कॉपी थोड़ा चेक करते, ओमर जो मशीन होती है उसमें सारी ओमर लगाई, फटाफट बहुत जल्दी वो रिजल्ट देती है। यानी क्या करता है कि जो भी हमने यहां पर जो इसको गहरा किया है, ब्लैक डॉट किया है, वो उसकी ऑप्टिकल यानी मशीनरी रूप से पहचान करती है, उसको पढ़ती है, रिकॉग्नाइजेशन रीडिंग करती है। यस, तो बिल्कुल दस्तावेज पाठक यानी डॉक्यूमेंट रीडर साहब का गजब जवाब है, जो भी जवाब दे रहे हैं। चलेगा, बिल्कुल सबका गजब जवाब है। यस यस, चलेगा बिल्कुल, ए इज राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, ए इज राइट आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, दिख रहा है आपको क्वेश्चन से पहले ओमार मशीन दिखा रहा हूं आपको, ये देखो इस प्रकार से होती है, इसके अंदर ओमार लगाई इस प्रकार से और बहुत जल्दी क्विकली करता है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या रीडर भी हम इसको कह सकते हैं। चले अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10000 का विकास किस वर्ष किया गया था? 1998, 1999, 1997, 1996 परम सुपर कंप्यूटर है उसका जो विकास है वो किस वर्ष किया गया था? जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से। 8, भैया सुन लो मेरी बात, आप सब लोग अभी बेवकूफ बन रहे हो, सुन लो। नंबर 8 का मैं बता देता हूं, सुन लो इधर भाई। एक तो होता घोषणा करना और एक होता डेवलपमेंट, यानी वो लेकर के लोगों के सामने प्रस्तुत करना, समझ गए ना। यानी कि विकास करा वो डेवलपमेंट कब हुआ था, अब देखिएगा। देखा सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था उसका नाम था परम, सीरीज थी 8000, जिसने किया वो व्यक्ति था विजय भास्कर नाम से। इसे भारत का, भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। जो परम का जो आविष्कार किया था, यानी परम चाहे 8000 हो, उसका जो आविष्कार किया था वो किया था सीडेक ने। यह संस्था है पुणे में, क्या है? पुणे में।
सीडैक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडैक की फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये संस्था पुणे में है। पहला जो परम सीरीज का जो कंप्यूटर आया जिसकी सीरीज का नाम था 8000 विजय भास्कर नामक व्यक्ति, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो परम 8000 आया था प्यारे विद्यार्थियों, घोषणा 1990 में हुई थी और आया लोगों के सामने 1991 में था। उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा 1997 के अंदर तो 10000 की घोषणा हुई थी, जबकि 1998 में इसको लेके आए थे। ऑथेंटिक जो किताब कहती है वो परम जो 10000 है वो 1998, समझ गए, नंबर वन में आएगा 1998 इज राइट आंसर है। यस राइट आंसर है 1998 इज राइट आंसर 1998। मनीषा कह रही सर ये क्लास इसी टाइम पे होती है, रोज नहीं होती है क्लास, ये जो क्लास है मेरी ये सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे को होती है यहाँ पर, ठीक है ना, बाकी टाइम नहीं होता है मेरे पास भी, इसलिए एज ए गेस्ट अपीयरेंस आता हूँ यहाँ पर 12 बजे, सिर्फ सैटरडे संडे को वाईफाई पर होती है। लेकिन वाईफाई स्टडी 2.0 वाईफाई स्टडी जो 2.0 है वहां पर रोज शाम को 7 बजे क्लास होती है। ये वाली क्लास रोज शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 पर आपको देखने को मिलेगी, समझ गए ना। चले लाइक कर दो क्लास को, लाइक कर दो फटाफट भाई, जितने भी लोग जुड़े एक बार लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग क्लास को। प्रेमराज मीना कह रहे हैं बहुत हार्ड लगती है कंप्यूटर, सुन लीजिएगा मेरी बात, कंप्यूटर इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, इजी सब्जेक्ट है, तो समझिए आप 100% स्कोर कर सकते हैं। इजी सब्जेक्ट ही आपको बहुत अच्छा स्कोर है, आपको नंबर दिला सकता है। परम 1000 आपको दिखाया है, ठीक है ना, परम 1000 आपको दिखाया है। इसमें कागज लगा ले, कागज लगा ले, ऑयल लगेगा नहीं तो, इसमें कागज लगा ले अंदर वो वाला, पर गाड़ी को पार्किंग वगैरह में अच्छे से खड़ी करना। ये नहीं दूसरा ले, वो नीचे से ले, ये टाइपिंग का। यस बिल्कुल बिल्कुल, दो भाई फटाफट से गाड़ी को पार्किंग वगैरह में खड़ी करना, उठा ले जाते हैं यहाँ पे ना आराम से, और फोन कर लेना मेरे को। यस परम 10000 है और सुपर कंप्यूटर ये कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग 1 ट्रिलियन मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर सेकेंड। 1 ट्रिलियन मैथमेटिकल कैलकुलेशन को पर सेकेंड करता। संजय गेट बंद करना भैया। परम 10000 बेस्ड ऑन एन ऑपरेशन फ्रेम एग्रीकल्चर होता है। परम 10000 इज 100 टाइम मोर पावरफुल देन दैट परम मशीन ब्लिट, जो 8000 आया था उससे भी 100 गुना ज्यादा बेहतरीन पावरफुल। ये जो बना रखे ना, ये बना रखे, देखो आपको दिख रही है, ये सारे के सारे टर्मिनल होते हैं। क्या होता है टर्मिनल, देखो सुपर कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, टर्मिनल होते हैं ऐसे, प्रोसेसर होते हैं बड़े हाई स्पीड के। इन प्रोसेसरों का सारा प्रोग्राम एक ही जगह पर ला करके और फिर अलग अलग इसको डेस्कटॉप के अंदर लैपटॉप में वहां पर चलाया जाता है। चले रोशन नागरकोट कहना सर मोदी जी ने 1988 में मेल कैसे भेज दिया था। अब साहब उन्हें भेज दिया था वो भेज सकते हैं, वो मोदी जी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए बात मेरी। यस आज का जो टारगेट है 500 लाइक कर हमने रखा है। मनीष यादव कहने सर डेली क्लास कहाँ होती है, भाई डेली क्लास बता दिया वाईफाई स्टडी 2.0 पर रोज शाम को 7 बजे, समझ गए ना। चलो अगला क्वेश्चन, लिनक्स एक है, लिनक्स है वो क्या है, एक केमिकल का नाम, एक बीमारी का नाम, एक कंप्यूटर का वायरस या ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। यूनिक्स अलग है, लिनक्स अलग है, दीजिए जवाब नंबर 9 का, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, जल्दी कंफ्यूज ना हो, दीजिए जवाब। जो निकी ठाकुर कह रहे हैं सर मुझे कंप्यूटर क्लास करनी रोज, बिल्कुल जी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अनअकैडमी का, या अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप क्लास के फर्स्ट में मैं आपको बता चुका हूं बिल्कुल फ्री है, साइन इन फ्री है, मेरी क्लासेस वहां मिलेंगी सब फ्री है। मुझे सर्च कर लेना वहां पर पंकज कुमार के नाम से, स्पेशल क्लासेस को सर्च करना, उसमें आप पंकज कुमार के नाम से आप सर्च करना, कैटेगरी आपकी कोई भी हो सकती है, चाहे रेलवे एसएससी बैंक कोई भी रखो, लेकिन स्पेशल क्लासेस में फ्री क्लासेस में पंकज कुमार को सर्च करना बिल्कुल। जैसे ही आपको ये थंबनेल के अंदर जो क्यूट सी फोटो दिख रही है वैसे ही मैं आपको दिखूंगा वहां पर, समझ गए ना। यस नंबर 9 रूपाली पांडे टेक्निकल दिव्यांश, राइट जवाब जी, राइट जवाब बिल्कुल, जो सबसे पहले जवाब देगा जीतू पासवान जी उसी का नाम लूंगा। दीपक जी राइट जवाब, मनीष यादव, संयंग घोष राइट जवाब, विजय कुमार, दामिनी अग्रवाल राइट जवाब, पंकज चारण कह रहे हैं सर हिंदी का प्रयोग, ओके जी चलो चलो हिंदी का कर लेंगे। अभय अभय कन्हार जी राइट जवाब, अमित राणा बिश्नोई, तेजस लक्ष्मी राणा बिल्कुल, सुनेगा बात मेरी, जो सबसे पहले और बेहतरीन जवाब देगा उसी का नाम लूंगा मैं यहाँ पर। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स है, यूनिक्स और लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझ गए बात मेरी, दोनों क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ओएस है कंप्यूटर के अंदर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वायरस भी नहीं है,
कई लोग सी कह रहे हैं कंप्यूटर का वायरस है, नहीं साहब बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यस बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, डी इज राइट आंसर, जितने भी लोग दे रहे हैं डी इज राइट। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, सी ए डी कैड का क्या तात्पर्य, कैड कैड आता है व्हाट इज मी कंप्यूटर के अंदर बताइए, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, नन ऑफ दीज दीजिएगा। अभिषेक शर्मा जी कह रहे हैं सर सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया, ओके ओके अभिषेक शर्मा जी। समीक्षा गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, वेलकम जी वेलकम। नंबर 10 का, और जो लोग जवाब दे रहे हैं प्लीज वो नंबर 10 डाल करके फिर जवाब दे, जो भी नंबर 10 का जवाब दे रहे हैं प्लीज। कैड का तात्पर्य क्या, नंबर 10 का सयंग घोष राइट है, रूपाली पांडे राइट जवाब, राइट जवाब दामिनी अग्रवाल जी राइट जवाब, अतुल यादव राइट जवाब, रूपाली पांडे राइट जवाब, वेरी गुड मोतीलाल नायक जी राइट जवाब, प्रभा सैनी राइट जवाब। विकास कुमार कह रहे हैं हम बंगाली से हो कैसे पता होगा, अच्छा अच्छा तेरा नाम विकास है इसलिए दे रखा है, एक तो होता विकास और तेरा नाम है विकास बी तो इसलिए बंगाली से पता चल गया। के एम अंजलि राइट, आनंद चौधरी, हिमांशु जाट जी राइट जवाब। भैया आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो भैया, जैसे ही आप कमेंट सेक्शन छोड़ोगे तो देखना ऊपर सबसे पहले लाइक आएगा, लाइक ठोक दो ठीक है ना, उसके बाद में डिसलाइक का आएगा उसको छेड़ना ही नहीं है, लाइव चैट का आएगा जिसमें आप चैट करें, आगे ऑप्शन आएगा शेयर, शेयर पर क्लिक करना, कॉपी लिंक करो, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है प्लीज आप लोग उस पर शेयर कर दीजिए, प्लीज आप उस पर शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग चाहिए अपन को, देखो पिछली बार था वो 500 लाइक बहुत जल्दी हो गए थे मात्र एक घंटे के से अंदर अंदर, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे भैया। सी ए डी का क्या तात्पर्य है, वर्ड इज सी ए डी, यस आ चुका है जवाब आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से, यस कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, यस कंप्यूटर एडेड डिजाइन नाम है, यस वो क्या है सी ए डी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि सी ए डी इज राइट आंसर है, यस बिल्कुल बिल्कुल। चले जितने लोग फटाफट शेयर करिएगा आप लोग फटाफट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जितने भी प्यारे बच्चों ने शानदार जवाब दिया बी इज राइट आंसर यहाँ पर ठीक है ना, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ये लीजिएगा कलर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन राइट आंसर भी। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड राजपथ ठीक है ना, यस सूचना का राजपथ, इंटरनेट को, ईमेल को, सेलुलर फोन को या कंप्यूटर को, जल्दी जवाब दीजिएगा नंबर 11, नंबर 11 में जल्दी ठोक दो फटाफट से जवाब, ठोक दो लाइक भी ठोक दो फटाफट से, आप लोग क्या कर रहे हो नंबर 11। और जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी पर शेयर मेरे को सर्च नहीं किया है तो सर्च कर लेना, ध्यान रखना ये फ्री क्लासेज आपको, जो लोग तैयारी करें दिल्ली पुलिस रेलवे एसएससी बैंक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्लास होगी। यस सचिन कुमार जी ने दिया है जवाब जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है साहब, सीआर जयसवाल जी राइट जवाब, हिमांशु जाट भाई प्यारे बच्चे राइट, पंकज सारन राइट जवाब, विमला राइट जवाब, पी शर्मा जी राइट जवाब, समीक्षा वेरी गुड वेरी गुड, भैया सुन तो लो आप लोग गलत जवाब जो दे रहे हैं, बिल्कुल जिनका नाम लिया वो राइट जवाब दिया है, अतुल ज्योति भारत भार्गव गलत जवाब, गलत जवाब भैया, सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं, इंटरनेट पर कितनी सारी इंफॉर्मेशन, हम कुछ भी इसके अंदर टाइप करो आपको पता है, कुछ भी हम इसके अंदर टाइप करें, कुछ भी हम इसके अंदर कोई भी हमको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां पर मिलेगी, किसमें मिलेगी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, वो मिलेगी हमें कहां पर, इंटरनेट पर, कहां मिलेगी इंटरनेट पर। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो राइट जवाब होगा वो यहां पर क्या होगा, ए ठीक है ना, इंटरनेट इज राइट आंसर होगा, इंटरनेट इज राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल इंटरनेट इज राइट आंसर है, जितने भी लोग देना है इंटरनेट आसपन यानी इंटरनेट इज राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, फ्लॉपी डिस्क के एक सेक्टर में होता है, फ्लॉपी डिस्क है उसके एक सेक्टर में क्या होता है, 256 बाइट, 228 बाइट, 64 बाइट या 124 बाइट, जल्दी जवाब दीजिए फटाफट से, जल्दी जवाब दो फटाफट से। नंबर 12, कोई बात नहीं जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं, फ्लॉपी डिस्क के एक सेक्टर में कितना होता है, नंबर 12 का आपको जवाब देना, जल्दी ठोक दो। अभिषेक हसन कह रहे हैं आप मेरा नाम नहीं बोलते हो साहब, सबसे पहले देता हूं भाई, जिसका नाम देखो जिसका नेट ज्यादा स्पीड से तेज है उसका सबसे पहले नाम आता है, ध्यान समझ के ना, शेयर करके आओ फटाफट से, जितने भी ग्रुप है फटाफट से शेयर करके आओ भाई, ध्यान रखो एक बार बच्चा पहुंचना चाहिए अपनी क्लास में ताकि यहां पर कोई खाली याद ना लौटे। एक फ्लॉपी डिस्क के एक सेक्टर में 128 बाइट होते हैं, कितने होते हैं 128 बाइट, ओके 128 बाइट होते हैं एक सेक्टर में, बी इज राइट आंसर यहां पर। समीक्षा राइट जवाब है जी, अतुल यादव राइट जवाब जी, राइट जवाब बिल्कुल, सक्सेना जी अभिषेक सक्सेना जी बिल्कुल
सी कह रहे हो आप, अब आप गलत जवाब दे रहे हो, आपका नाम कैसे लेंगे हम है? जो गलत जवाब दे रहे हैं उसका नाम बिल्कुल भी पुटअप नहीं करूंगा, जो सबसे पहले और राइट आंसर देगा वो ही पुटअप हो रहा है, समझ गए मोतीलाल लायक? राइट जवाब जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग 256 कह रहे हैं, नहीं साहब गलत गलत, 256 गलत है, बिल्कुल। दीपक देरापुर जी राइट जवाब आपका। जितने भी लोग जितने शेयर करिए ये फटाफट, जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करिए, स्टेटस लगाया करो आप लोग, बिल्कुल 128 बाइट इज राइट आंसर है। फ्लोपी का जानते हैं आप, फ्लोपी एक क्या है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लोपी इस प्रकार से प्लास्टिक, आजकल तो ये बंद हो चुकी है। चलेगा अगला क्वेश्चन, विंडोज में चलते हुए प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए, विंडोज में कोई प्रोग्राम चल रहा है उससे दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? शॉर्टकट कुंजी की बात कर रहा, नंबर 13 का दीजिएगा। ऑल्ट शिफ्ट, ऑल्ट टैब, ऑल्ट कैप्स लॉक, ऑल्ट स्पेस बार, विच की यूज मूव टू प्रोग्राम, वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम इन विंडो, दीजिएगा जवाब। नंबर 13 का जवाब दो फटाफट से, नंबर 13 का जवाब ठोक दो भाई जल्दी से, नंबर 13 का, जितने भी लोग हैं नंबर 13 का जवाब ठोक दो भाई, क्या होगा? नहीं आ रहा है आपका, बहुत लेट कमेंट कर रहे हैं भाई, बहुत लेट जवाब दे रहे हो आप लोग भाई, ऐसा कैसे चलेगा? सचिन कुमार ने सबसे पहले जवाब दिया, वेरी गुड सचिन कुमार जी, वेरी गुड वेरी गुड, सबसे शानदार और बेहतरीन जवाब दिया, यस। अबे कनार जी राइट जवाब जी, राइट जवाब बिल्कुल बिल्कुल। अब ये लोग जो दे रहे हैं कमेंट, मुझे पता नहीं किसका आंसर कर रहे हैं, विमला कुमारी जी राइट जवाब, दीपक राइट जवाब, नीलेंद्र मौर्य राइट जवाब जी, विमल। शॉर्टकट कीज मैंने पढ़ाई है एप्लीकेशन पर, मैंने थोड़ी क्लास ली तो उसमें सबको शॉर्टकट कीज पढ़ाई, बेसिक शॉर्टकट कीज, एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज, एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज, और जहां भी हम जो जो यूज कर रहे हैं उन सब आपकी शॉर्टकट कीज मैंने बेहतरीन और गजब तरीके से पढ़ाई है, पीडीएफ भी मैंने सेंड किया है सबको, समझ गए ना, तो गलत नहीं होना चाहिए। ऑल्ट प्लस टैब हम प्यारे बच्चों जब कीबोर्ड पर दबाते हैं तो हम जो प्रोग्राम चल रहा है तो हम किसी दूसरे प्रोग्राम में मूव हो जाते हैं, वापस ऑल्ट टैब दबाएंगे तो जो चल रहा है स्लाइड के हिसाब से हम किसी प्रोग्राम में जा सकते हैं। मान लीजिए अभी मैंने ये चला रखा है यूट्यूब, ठीक है ना, अब मैं जैसे ऑल्ट टैब दबाऊंगा तो मैं दूसरा जो मेरी पीपीटी चल रही है पावर पॉइंट में चला जाऊंगा, दूसरा दबाऊंगा तो मैं क्रोम में चला जाऊंगा, मेरा क्रोम चल रहा है, या चलो इस प्रकार से, तो राइट जो जवाब होगा वहां पर बी इज राइट आंसर है। ये क्लास सही का ये जो क्लास है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंक की, वहां पर जहां भी बेसिक जनरल कंप्यूटर आता है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये, समझ के बात मेरी, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी राजस्थान लेवल में तैयारी कर रहा है, चाहे पटवारी की करे चाहे राजस्थान पुलिस की करे, सब में क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर इज एन इजी सब्जेक्ट और इसमें आप 100% डिस्कस कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, नंबर 14, ठोक दो भैया जवाब, नंबर 14 का क्या होगा आंसर, जल्दी से जवाब ठोक दो आप लोग फटाफट से, नंबर 14 का। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, समझा चुका हूं बता चुका हूं बिल्कुल, कंपाइलर बता चुका हूं, इंटरप्रेटर बता चुका हूं, असेंबलर बता चुका हूं और कंपरेटर बता चुका हूं, नंबर 14 का, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, नहीं आया जवाब। मनीषा कुमारी जी राइट जवाब, श्यांग घोष जी राइट जवाब, टेक्निकल दिव्यांश राइट जवाब, विमला कुमारी जी राइट जवाब, बिल्कुल दामिनी जी राइट जवाब, वेरी गुड। लक्ष्मी प्रजापत जी राइट जवाब, रूपाली पांडे जी राइट जवाब, यस यस, निकिता शर्मा गलत गलत गलत, मेमोराइजिंग मीनू राइट जवाब है जी आपका, आर के सरस्वत राइट जवाब, समरेश बेरा जी राइट जवाब जी राइट जवाब, यस वेरी गुड, ज्योति सुमन राइट जवाब है आपका, काजल रानी राइट जवाब बिल्कुल, शुभम चौहान जी राइट जवाब, स्वीटी सिंह जी राइट जवाब आपका एकदम गजब, संदीप कुमावत, नरेंद्र सिंह जी राइट जवाब। अब सुन लो बात मेरी भैया, असेंबलर जो होता है, असेंबलर होता है उससे हम क्या करते हैं, असेंबलर जो होता है उससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली जो भाषा होती है, जो भी हमने कोई असेंबल किया है कोई प्रोग्राम, उसको मशीनी भाषा यानी कंप्यूटर की भाषा के अंदर बदलता है असेंबलर, समझ गए ना। कंपाइलर क्या करता है आपको पता है, ये क्या करता है लो लेवल के अंदर बदलता है, ठीक है ना, ये किसमें बदलता है, इंटरप्रेटर हाई लेवल के अंदर बदलता है, मैंने समझाया सारी चीज आपको, मैं बता चुका हूं, असेंबलर सी इज राइट आंसर, एमसीक्यू चल रही है बिल्कुल इसी के बारे में बात करें। चलेगा चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे विद्यार्थियों, ये लीजिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क में डीएनएस का मतलब क्या होता है, डीएनएस, ठीक है ना, कंप्यूटर के नेटवर्क में जो नेटवर्क है ना यानी इंटरनेट सिस्टम की बात कर रहा, नंबर 15 का आपको जवाब देना, जल्दी जवाब दीजिएगा। के अंजलि करी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा अच्छा फिर क्या करें भैया तबीयत ठीक नहीं है, चले जल्दी जवाब दो फटाफट, कंप्यूटर नेटवर्क में डीएनएस का मतलब क्या है,
दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। राजपाल डांसर कह रहे हैं दबा के लाइक, क्या बात है क्या बात है राजपाल जी, वेरी गुड वेरी गुड। दीजिए जवाब फटाफट से, जल्दी जवाब ठोक दो फटाफट से जल्दी सी। बल बिल्कुल नंबर आपको D15 का बताना है। यस बिल्कुल, जितना भी राइट जवाब रहा, डोमेन नेम सिस्टम राइट जवाब, डोमेन नेम सिस्टम इज राइट आंसर है जी। बिल्कुल बिल्कुल, डोमेन नेम सिस्टम इज राइट आंसर है जी। बिल्कुल सी इज राइट आंसर है, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं सी इज राइट आंसर है, सी इज राइट आंसर है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा सी इज राइट आंसर है प्यारी विद्यार्थियों, सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा आप, देखो भाई डोमेन नेम सिस्टम वगैरह इन सब के बारे में एक बार देख लो, आपकी स्क्रीन पर मैंने बता रखा है ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो हम लिखते हैं ऊपर की तरफ, ये होता है यूआरएल। क्या होता है यूआरएल? यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? विनीत चौधरी, अरे भाई तू तो असली आदमी है विनीत चौधरी, यहां पे तेरी अरे कोई जरूरत नहीं है, तेरी पहली फुर्सत में जा सकता है तू, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं नकली हूं, तू तो असली है कम से कम यहां पर, तू तेरी औकात क्यों बता रहा है यहां पर। प्लीज एडिटर महोदय अगर मेरी सुन रहे हो बात, तो प्लीज यहां पर जो ये लड़का है विनीत चौधरी, इसको तुरंत यहां से ब्लॉक करिएगा, ना पढ़ रहा है ना पढ़ने दे रहा किसी को। बिल्कुल बिल्कुल तुरंत ब्लॉक कर दीजिए यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल जय दादा थैंक्स। ओके जी ओके जी। अक्षय धैया कह रहे हैं सर आपकी क्लास कब आती है? देखिए मेरी क्लास जो चलती है मैं आपको बता देता हूँ, मेरी क्लास है वो वाईफाई स्टडी पर। वाईफाई स्टडी का जो मेन चैनल है यानी ये जो चल रहा है आप देख रहे हैं, इस पर सिर्फ सैटरडे संडे को 12 बजे आता हूँ। बाकी 2.0 है उस पर रोज शाम को 7 बजे क्लास होती है ठीक है ना। रोज शाम को कितने बजे क्लास होती है? 7 बजे क्लास होती है। बिल्कुल बिल्कुल, शाम को कितने बजे क्लास होती है? शाम को 7 बजे। चले आप देखो, आप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये पूरा का पूरा कहलाता है, जो ऊपर सामने HTTP लिखा वो क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। WW क्या होता है? ये होता है सब डोमेन होता है। गूगल जो होता है वो होता है डोमेन नेम होता है, और .com टॉप लेवल का डोमेन कहलाता है ठीक है ना। ये सब डोमेन हो गया ठीक है ना। WW ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता रखा है, ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। यस यस यस, तीनों के तीनों गलत हो गए सर मेरे, दिल्ली पुलिस। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं चलेगा। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। नंबर 16 का, नंबर 16 का जल्दी से। जिन लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा है, जिन लोगों को ये फालतू जो कमेंट कर रहे हैं, जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, वो पहली फुर्सत में निकल सकते हैं। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां पर देख रहे हैं क्लास को, जितने भी वो प्लीज आप लोग सिर्फ कमेंट पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, और आपको आंसर बताना, आपको कोई मतलब नहीं है किसी दूसरे लड़कों से, समझ गए ना। यस, जो लोग आ रहे हैं ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, जीवन के अंदर तीन लोग, जीवन के अंदर जो तीन लोग हैं उनका कभी भी आपको मान सम्मान नहीं गिराना चाहिए, समझ गए ना। माँ बाप और गुरु, समझ गए ना। ये तीन लोग आपकी दुनिया के अंदर जो आपको एक बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। चले दीजिए जवाब फटाफट से। नमस्कार शंभू राव जी, नमस्कार जी नमस्कार। यस, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। देखिएगा इधर, सीडेक, सीडेक संस्था है यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ठीक है ना। सीडेक जो कहां स्थित है? पुणे के अंदर। कहां स्थित है? पुणे के अंदर। सीडेक इज राइट आंसर है, सीडेक इज राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, सीडेक सी इज राइट आंसर है। बिल्कुल सीडेक इज राइट आंसर है, जितने लोग जवाब दे रहे हैं सीडेक इज राइट आंसर है। अगला देखिएगा, परम जो 8000 है वो इंडिया के अंदर फर्स्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था। इट वाज इंटीग्रेटेड बिल्ट इन 1990 के अंदर बाय सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक, एंड इट रिप्लेस्ड एंड इंस्टॉल्ड ICAD मॉस्को 1998 अंडर रशियन कोलैबोरेशन के द्वारा क्या हुआ था? ये तैयार किया गया था। चलेगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए फटाफट से जवाब दीजिएगा आप लोग प्यारे विद्यार्थियों। हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइल कहां भेजी जाती है? हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहां भेजी जाती है? नंबर 17 का जवाब दीजिएगा फटाफट से, नंबर 17 का जवाब दीजिएगा। जल्दी जवाब दो फटाफट से। यस, हार्ड डिस्क में डिलीट की गई जो फाइल है वो कहां जाती है? ध्यान रखिएगा, वो जाती है रिसाइकल बिन के अंदर। कहां जाती है? रिसाइकल बिन। ए इज राइट आंसर ठीक है ना, 8 राइट आंसर, रिसाइकल बिन में।
हम कोई डिलीट कर देते हैं फाइल, वो डायरेक्टली किस में जाती है? रिसाइकल बिन के अंदर जाती है, समझ गए ना, हम उसको वापस रिकवर कर सकते हैं, इसलिए यस ए इज राइट आंसर। जितने लोग अगला क्वेश्चन ये लीजिए, देखो रिसाइकल बिन आपने ये डेस्कटॉप कर आपको दिखा रखा हूं, ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप आ गया। हेलो विकास जी, मैं ऐसे कह रहा था एक बार जो मेन चैनल है वाईफाई का उस पर आइए, कोई विनीत चौधरी नाम का कोई बग आया हुआ है ना, और वो फालतू की कमेंट करा फटाफट आओ आप, है ना, ब्लॉक करो उसको तुरंत। मैंने आपको साथ स्क्रीनशॉट भी सेंड किया है ना, बिल्कुल जल्दी एक बार थोड़ा सा आप लाइव आइए, देखो मैं कमेंट दिखा रहा हूँ आपको, जल्दी से आओ फटाफट। चले चलेगा चलेगा, मैं सोच रहा था एडिटर महोदय को परेशान ना करूं, लेकिन कोई बात नहीं जी, मेरे को अब थोड़ा सा सीरियसली होना पड़ेगा आप लोगों के लिए। अभिषेक सक्सेना कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, यस वेरी गुड। चलेगा भैया, अगर बात करें तो आपका डेस्कटॉप है उसके ऊपर आपको ये जो दिख रहे हैं ये कहलाते हैं आइकन्स, क्या कहलाते हैं आइकन, छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं वो होता आइकन्स, बिल्कुल यस। देखो कैसे तू तड़ाके पर आ रहा है ये लड़का, अरे तेरे को शर्म नहीं आ रही क्या, तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार सिखाए क्या विनीत चौधरी, हैं तुझे तेरे माँ बाप ने यही संस्कार तुझे दिए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बाहर निकाल रहे आर के सारा सर, इस विनीत चौधरी को बिल्कुल बाहर निकाल रहे, इसको नालायक को यहां से, कौन है फटाफट एडिटर महोदय एक बार फटाफट से आइएगा आप देखिएगा, फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ आप लोग, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आपको अच्छा लग रहा है नहीं क्लास, बताए आइकन्स, ये छोटे 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 ये होते हैं, ये क्या कहलाता है आइकन्स कहलाता है, ये रिसाइकल बिन हमें डिलीट की गई डेटा को हम वापस रिकवर करने के, रिसाइकल मान लीजिए गलती से हमने डिलीट कर दिया, यस यस वेरी गुड वेरी गुड। चलो कंप्यूटर में डिस्क कहां रखी जाती है, डिस्क होती है डिस्क, वो कहां रखी जाती है, मैं पूरी आपको बात बता दूंगा तो आंसर आ जाएगा, नंबर 18 का जवाब ठोक दो फटाफट से, डिस्क है वो कहां रखी जाती है, हार्ड ड्राइव में, डिस्क ड्राइव में, सीपीयू में या मोडेम में, नंबर 18 का जवाब ठोको फटाफट से जल्दी से। वो कह रहा है कि बिल्कुल सुर भी कह रही है सर, वो कह रहा है गुरु होने के लायक नहीं है तभी तो वहां पढ़ने आया है, घटिया लैंग्वेज यूज करा, यस यस यस। थैंक यू शिशिर कुमार जी, यू आर ग्रेट, ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। नरेंद्र सिंह बिजाड़ना कह रहे सर आपका नाम जान सकते, बिल्कुल मेरा नाम है पंकज नोरा, नाम है मेरा भैया, बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा ब्लैक पेन आ गया, यस पंकज नाम है मेरा, ठीक है ना, नोरा आप सर्च कर सकते हैं मुझे गूगल पर सब जगह, यस इसी नाम से, यस थैंक यू आप सब लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा, ओके ओके लक्ष्मी प्रेमलता, यस 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 ये चलेगा चलेगा, ओके जी फटाफट। और मेरे एडिटर महोदय से दरखास्त है प्लीज आप लाइव बने रहे मेरे साथ में, ताकि आप यहाँ पर जो फालतू के जो विद्यार्थी आप उनका कमेंट देख करके उनको तुरंत यहाँ से निकाल सके, वो जिंदगी भर यहाँ पे कमेंट ना कर सके, यस थैंक यू शुभम सारे, बिल्कुल थैंक यू शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। चलिए चलिए सुनो बढ़िया भैया, देखिए कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है, आप रखने की बात कर रहे हैं, यदु संदीप ये कह रहे हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू सुनियो भैया, हम कार लेकर के आ गए, मान लीजिए हम क्या लेकर के आ गए, हम एक कार लेकर के आ गए, ठीक है ना, और कार के अंदर ये मान लीजिए हमारे पास में कोई कार आ गई है, ठीक है ना, अब ये कार जो है ये इस कार में हम पीछे जाकर के क्या हो गए बैठ गए, ठीक है ना, पीछे जाकर के हम इसके अंदर क्या हो गए बैठ गए, तो बताइए क्या ये कार चलेगी, क्या ये कार बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ये कार बिल्कुल भी नहीं चलेगी, हम पीछे बैठ गए, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, हम खुद ड्राइव करेंगे इसको तभी चलेगी ये कार, ड्राइवर बैठ गया, यस लाइट जल गई, और यस ये देखो ये कार बहुत स्पीड से दौड़ने लगी, देखो आप ये सड़क है, सड़क के ऊपर देखो आप ये स्पीड से दौड़ने लगी, ये पीछे इसके अंदर ये धुआं छोड़ने लगी कार, वेरी गुड, अब कार ये चल रही है, क्यों हमने कौन बैठा दिया, हमने बैठा दिया यहाँ पर ड्राइवर, कौन बैठा दिया ड्राइवर, हमने ड्राइवर बैठा दिया, और पीछे देखो धुआं छोड़ती हुई जा रही है और कार बहुत स्पीड से चल रही है। भाई डिस्क कहां रखेंगे, तो डिस्क ड्राइव में रखेंगे, हार्ड डिस्क कहां रखेंगे, हार्ड ड्राइव में रखेंगे, ड्राइव कोई भी अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर अगर यूज करते हैं उसके लिए हमें उसके ड्राइवर की आवश्यकता होती है, समझ गए ना, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ड्राइवर की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखिएगा जहां भी किसी चीज के बारे में सॉफ्टवेयर के बारे में पूछे और ड्राइव चीजें आए तो डिस्क ड्राइव बी इज राइट आंसर। चलेगा अगला क्वेश्चन ये लीजिए, विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने कहा था ना कि जो विंडो अभी आपको पढ़ा रहा जस्ट मैंने बताया था भाई विंडो से संबंधित में क्वेश्चन आते हैं, आप बताओ वो पूछा कि विंडो विस्टा के बाद में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, 8 आया 7 आया एक्सपी आया डोस आया, जल्दी जवाब दो, अभी पढ़ाया था सर थोड़ी देर पहले, बिल्कुल यस यस बिल्कुल दीजिए जवाब नंबर 19
बिल्कुल बिल्कुल 19 का जवाब आ चुका है, वेरी गुड। विमला कुमारी राइट जवाब आपका, जतिंदर चौहान राइट जवाब आपका, मोना राठौर जी राइट जवाब, क्या बात है भाई साहब भी आ चुके हैं, वेरी गुड। अभय कुमार जी राइट जवाब आपका, यस यस। फटाफट से जितने भी शेयर कर सकते हैं आप मनोबल बढ़ाइए इस चीज को लेकर के, लाइक और शेयर आप जितने भी ग्रुप में कर सकते हैं फटाफट से। आज हमने जो टारगेट रखा है यहां पर ध्यान रखिएगा, दुश्मनों की छाती पर 500 लाइक का टारगेट, आप सभी होनार विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, इनसे होगा क्या, इससे कुछ नहीं होगा, इससे मेरा मनोबल जो मेरा क्लास का जो एक अंडरस्टूड है वो बढ़ेगा कि हाँ भाई बच्चे इस चीज को लाइक कर रहे हैं, बस ध्यान रखिएगा। यस बिल्कुल ध्यान रखें, विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, नंबर 19 का आपको जवाब देना, फटाफट जवाब दीजिएगा। ओम प्रकाश शर्मा कह रहे हैं सर थोरी नहीं पढ़ा, अरे थोरी चल रही है, एप्लीकेशन पर चल रही है भैया, इसी के एमसीक्यू लेकर के आया हूं, ये सारे एग्जाम के अंदर जो आए हैं। यस मिस्टर जो यहां पर ये है व्हाटएवर नाम से, मैं व्यक्ति है मैं बता देता हूं भैया, ये बैंक वगैरह के अंदर सब चीज के लिए एग्जाम है, ये बिल्कुल सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंप्यूटर और वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल बिल्कुल। चले इतना सिंपल, अच्छा अच्छा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, बताओ नंबर 19 का जवाब दो मिस्टर व्हाटएवर, बिल्कुल बिल्कुल। पंकज सिंह चारण वेलकम है आपका, वेलकम है जी वेलकम है भाई, ध्यान रखिएगा अगर नंबर 19 की बात करो, विंडो 7 विस्टा के बाद में कौन सा आया था, विंडो विस्टा के बाद में तो वो आया था विंडो 7, बिल्कुल विंडो 7 सी इज राइट आंसर भैया, ठीक है ना, बिल्कुल सॉरी बी, बी इज राइट आंसर है क्योंकि बी पे ही आ रहा था विंडो 7, विंडो 7 आया था। यस रावण लंकेश हमारे बीच में आ चुके हैं, क्या बात है रावण लंकेश जी, बहुत बहुत स्वागत, विंडो 7 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा स्क्रीन, आप देखो एक बार फिर बता देता हूं आप लोगों को मैंने क्या बोला, आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन आ रहा था यहां पर, वो कह रहा है कि विंडो विस्टा के बाद में, तो आप इसमें देख लो चित्र के अंदर विंडो विस्टा जो दिख रही है आपको, ये लोगों विंडो विस्टा दिख रहा है, विंडो विस्टा इसके बाद में कौन आया, 7 आया है, कौन आया विंडो 7, तो ये देख लेना इसका स्क्रीनशॉट लेना आप, इस प्रकार से को देख लेना पूरा का पूरा, विंडो फर्स्ट से लेकर के और विंडो 10 तक जो चला है वो आपको बता चुका हूं। राजस्थान पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया, ध्यान रखना, बिल्कुल राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है। चलेगा ओम प्रकाश वर्मा जी, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस पर जाकर के मेरा नाम सर्च करना पड़ेगा पंकज कुमार के नाम से, वहां पर मैं मिल जाऊंगा और जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिए आप तुरंत। बिल्कुल सयंग घोषी अनअकैडमी पर मेरी थ्योरी क्लास चल रही है, स्पेशल क्लास है जो बिल्कुल आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री, वहां पर रैंक भी देता हूं आप लोगों को, रैंक भी मिलती है बिल्कुल। और इस वीडियो के बाद में सर ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हबीब खान चौहान बिल्कुल स्वागत है आपका, स्वागत है बिल्कुल, चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनेगा। इस वीडियो के बाद में सबसे पहला जो कमेंट होगा वो पिन कर दूंगा मैं मेरी प्रोफाइल का होगा, जो कि आपको एप्लीकेशन पर ले जाएगा। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सा है, एनिक है, सिद्धार्थ है, परम है या दीप है, नंबर 20 का आपको जवाब ठोकना जल्दी। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, जल्दी जवाब दीजिएगा, फटाफट से जवाब ठोकेगा। जिन लोगों को पता है वो फुल फॉर्म भी बताना मुझे यहां पर, मैं हजारों बार उनको बता चुका हूं, हजारों बार पढ़ा चुका हूं मैं एप्लीकेशन भैया। संदीप यदुवंशी कह रहे सर पीडीएफ, अरे भैया एप्लीकेशन पर जाइए आप, मुझे मैसेज तो ठोको वहां पर पर्सनल, वहां पर दे रखा मैंने मैसेज बॉक्स ओपन कर रखा मैंने सब लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कह रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई एक रुपया नहीं ले रहा हूं आपसे। अगर आप कोई पर्टिकुलरली कोई कोर्स खरीदते हैं आप तैयारी करना चाहते हैं फिर आप मेरा कोड लगा सकते हैं PNKJ10, मेरी क्लासेस मिलेंगी मिलेंगी प्लस और भी बेहतरीन टीचर आप सबकी क्लासेस मिलेंगी, पूरा एक कोर्स मिलेगा आपको, कोर्स खरीदते हो तो सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको सब मिल जाएगी जानकारी वहां पर दीजिएगा। यस बिल्कुल हबीब खान चौटन से ओके जी बिल्कुल, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ए इज राइट आंसर होगा एनिक, बिल्कुल एनिक इज राइट जवाब है जी एनिक, यस एनिक ध्यान बिल्कुल एनिक इज राइट जवाब है, ठीक है ना एनिक, ये रहा एनिक इज है राइट जवाब है, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है ना ए इज राइट आंसर है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इज राइट आंसर है एनिक का, ओके जी ओके। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर आप देखिएगा एनिक आपको स्क्रीन पर दिखा रहा, कई लोगों के ये हो रहा था, आप देखो एनिक द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था 1949-1952 के अंदर, इसको क्या किया गया था डेवलपमेंट किया गया था। ये पूरा जो आपको कमरा दिख रहा है पूरे कमरे के अंदर देखो आप पूरा ये डिजिटल कंप्यूटर देखो आप लग रहा है पूरे अलग अलग कंपोनेंट, यस ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, इसका नाम था एनियक, क्या नाम था एनियक इस नाम था इसका, यस ध्यान रखिएगा। चले अब क्वेश्चन आता है बेहतरीन तरीके से कि इंटरनेट का जनक है वो किसे कहते हैं, इंटरनेट का जनक कौन है, 21 का जवाब ठोके इंटरनेट का जनक कौन है, जल्दी जवाब दो फटाफट इंटरनेट का जनक, यह सबका गजब का जवाब,
बिल्कुल सयंग घोष, एनटीपीसी के लिए आप क्लास ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीपीसी के लिए एक और मेरी एप्लीकेशन पर क्लास चल रही है, रोज शाम को 5 बजे चलती है। कितने बजे चलती है? रोज शाम को 5 बजे क्लास चलती है, जिसमें आपके सारे रेलवे में आने वाले सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं चर्चा करता हूं। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बताता हूं मैं आप लोगों को। यस बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है, जितने भी लोगों ने जवाब दिया। यस यस ध्यान रखेगा, बिल्कुल 21 का मैं नाम लेना चाहूंगा। बिल्कुल गलत गलत, अरे भैया इंटरनेट का जनक बिल गेट्स कहां से हो गया? बिल्कुल डॉक्टर विंटल जी सर्फ, डी इज राइट आंसर है। डॉक्टर विंटल जी सर्फ इज राइट आंसर है। भवानी मीना राइट जवाब, अभय कुमार राइट जवाब है आपका। यस वेरी गुड, बिल्कुल ए होगा, बी डी। यस खुशबू धानकर जी, विंटल जी सर्फ, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल राजस्थान पुलिस के लिए, बिल्कुल हबीब खान, बिल्कुल राजस्थान पुलिस के लिए। यस यस वेरी गुड, चलेगा। जितने लोग हैं एक बार, जितने भी लोग जुड़े हैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। आज अपना जो टारगेट रखा वो रखा 500 लाइक का, फटाफट से लाइक ठोक दो आप लोग, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए। आज 500 से ज्यादा लाइक चाहिए हमें, मुझे नहीं पता कुछ भी चलेगा, कहां से लाएं कैसे करना, 500 लाइक करना आपको। यमराज जी कहने सर आप ओ लेवल का बैच कब से? सुनिएगा बात मेरी, कंप्यूटर की थ्योरी क्लास में बता देता हूं आपको, आपको प्लस कोर्स पर मिलेगी। प्लस कोर्स के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे भैया। 10 घंटे की क्लास ले चुका हूं मैं, जिसके अंदर ऑल अबाउट कंप्यूटर बहुत डीपली पढ़ाया मैंने आपको, हिस्ट्री अबाउट कंप्यूटर पढ़ाया मैंने आपको, कैसे कंप्यूटर का नाम आया, कैसे आया, कौन से लेके आया, कौन कौन वैज्ञानिक क्या क्या काम किए, पूरा एक एक अलग। फिर जनरेशन पढ़ाई है मैंने, फिर इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ाया मैंने आपको पूरा का पूरा वहां पर। फिर उसके बाद में मेमोरी के बारे में आपको बताया, मेमोरी के बाद में अब जो चल रहा है वो चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आगे मैं पूरा बताऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह सारी चीजें, एक्सेल वगैरह, वर्ड, जिसमें से बेहतरीन क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल आकाश कुमार कह रहे हैं कहां होती है सर क्लास? बिल्कुल अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर, अभी लोगों को पता ही नहीं है अन अकेडमी का भी कोई ऐप है। अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, लास्ट क्लब क्लास सब खत्म होगी तब आपको समझा करके जाऊंगा अन अकेडमी का लर्निंग ऐप कहां कहां से कैसे मिलेगी आपको। यस दिल्ली पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल चलेगा। विंटल जी सरफ डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये लीजिए स्क्रीन पर, अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीनी कोड में बदलता है, नंबर 22 का ठोकना दीजिएगा। सूरज जायसवाल जी वो क्या है कि मुझे लाइक के लिए थोड़ा चीजों के लिए बताना है। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेगा, 285 लाइक ठुक चुके हैं, 285, क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल आशीष केटवाल जी राइट जवाब, रूपाली पांडे राइट है, विमला कुमारी जी राइट है, हिमांशु राणा जी राइट जवाब आपका, वेरी गुड वेरी गुड। गजब का जवाब, सुनिएगा सुनिएगा मेरी बात। बस काजल रानी राइट जवाब, राम लंकेश राइट जवाब आपका, शुभम चौहान यस। असेंबलर अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन अलग है लेकिन लैंग्वेज उसकी चेंज है, क्वेश्चन वही है लेकिन लैंग्वेज उसकी चेंज है, थोड़ा सा अलग है लैंग्वेज। यस 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 बिल्कुल सयंग घोष जी, बिल्कुल फ्री जो भी क्लासेज है अनअकैडमी में वो मेरी फ्री चल रही है, ठीक है ना। अगर कंप्यूटर की थ्योरी आपको करनी है, इंडियन ज्योग्राफी आपको करनी है, राजस्थान ज्योग्राफी करनी है, तो उसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना, थ्योरी के लिए। यस यस ओके जी ओके बिल्कुल ध्यान रखिएगा, असेंबलर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहली भारतीय पत्रिका कौन सी थी? 24 का जवाब ठोकना है कि इंटरनेट पर विच इंडियन मैगजीन वाज द फर्स्ट इंडियन मैगजीन टू बी पब्लिश्ड ऑन द इंटरनेट, दीजिए जवाब फटाफट से भाई। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहली भारतीय पत्रिका कौन सी थी? दैनिक जागरण था, इंडिया टूडे था, द हिंदू था, या नव भारत टाइम्स था? जल्दी जवाब ठोको भाई। वॉट एवर कह रहे हैं सर 18 डिसलाइक हो गई, ये भी तो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल वो दुश्मन है, कोई बात नहीं, जिंदगी के अंदर दुश्मनों का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलता कि आप अपना जीवन भी जी रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगता है कि बस अपने जीवन व्यतीत कर रहे हो आप। भुवनेश गुप्ता कह रहे हैं मेरे सारे गलत होने, ओके ओके आपका एडमिशन लेना पड़ेगा भैया आपको। जल्दी दो भाई 24। यस गजब का जवाब, ध्यान रखे इंडिया टुडे बी इज राइट आंसर है। बिल्कुल इंडिया टुडे जो पत्रिका थी, यानी जो मैगजीन थी, वो सबसे पहले इंडिया टुडे, कौन सी? इंडिया टुडे।
ये मैगजीन सबसे पहले कौन सी भारतीय पत्रिका, इंडियन पत्रिका बात कर रहा, तो वो कौन सी थी? इंडिया टुडे, बी इज राइट आंसर है। सबसे पहले इंटरनेट पर, बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल गजब। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, 300 लाइक ठुक चुके हैं। कितने लाइक ठुक चुके हैं? 300, क्या बात। जितने लोग अभी नए आए हैं वो देखो आप एक बार कमेंट छोड़ करके, बिल्कुल आए हैं या हुआ कि नहीं हुआ, लाइक किया कि नहीं किया। कोई बात नहीं, मनीषा कुमारी जी सही हो जाएगा बिल्कुल। भुवनेश गुप्ता जी प्लीज आपसे माफी चाहता हूं कि इतने कमेंट एक साथ ना करें, नहीं तो ब्लॉक करना पड़ सकता है आपको। चलेगा नींद में? नहीं साहब, नींद बिल्कुल नहीं हो साहब, थोड़ा सा ऐसा ही थोड़ा चल रहा है मामला। यस यस, वेरी गुड। चलेगा अगला, ये लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग हैं जिनको बोलने का जो बिल्कुल भी तरीका मैनर्स नहीं है, वो कुछ को कैसे बात करनी है कैसे नहीं है, वही लोग हैं जो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते अपनी लाइफ में। उनको 1% तरीका नहीं है क्या हम किससे बात कर रहे हैं कैसे बात करनी है। आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर क्लियरली बता रहा हूं आपको, बिल्कुल 1% उनको मैनर्स नहीं है कैसे कमेंट करना है क्या बोलना है। बस अपना नाम थोड़ा सा वो करने के लिए सबके बीच में, और आप कुछ भी कमेंट कर रहे हैं इस बिना हड्डी के जमान से, कुछ भी बोल रहे हो आप लोग। थैंक यू थैंक यू। हबीब खान जी कह रहे हैं सर पढ़ने पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया, थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? 25, गलत, सबका गलत है। ओके ओके, भुवनेश गुप्ता जी यस। आप देखो मैंने आपका कमेंट आराम से पढ़ लिया, सर जी आप ध्यान नहीं देते ना इसलिए बार बार कर रहा हूँ, सॉरी। ओके कोई बात, सॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं। यस हबीब खान जी राइट जवाब है, नरेंद्र सिंह राइट जवाब है, कृष्णा ठाकुर राइट जवाब आपका, बहुत बहुत लेट आ रहे हैं साहब। थैंक यू स्मिता केसरी जी, सर कह रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं। ओके भैया, ये तो MCQ तो चल रही है उसी को बारे में आपको बताते रहता हूँ मैं, आप लोग भाई कौन सा क्या कमेंट करें क्या नहीं। और आपको पता है जितनी ज्यादा आप ये क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा अपने आपको डेवलप कर पाएंगे, समझ रहे, ताकि आप बोर ना हो, इसलिए मैं उस चीजों को कर रहा हूँ। यस मोचले एंड ए कार्ड, भाई आपका दम है तो आप आओ ना एप्लीकेशन पर, किसने मना किया? आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई और चीजों को क्या थ्योरी पढ़नी हो, कैसे क्या करना, आप एप्लीकेशन पर आओ। वहां पर ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल क्लास चल रही हो एकदम, सारे बच्चे शांति से बैठे रहते हैं आराम से। जितना आपकी यहाँ पर 500 MB खर्च होती है, मेरी बात सुन लीजिए, वहां पर मात्र जाकर के मात्र आपकी 5 MB खर्च होगी। जितना एक घंटे के अंदर आप 50 MB का यहाँ यूज कर लेंगे यूट्यूब पर, वहां मात्र आपकी 5 MB का यूज होगा एप्लीकेशन पर। कानों में ईयरफोन लगाइए, सामने कैमरा बिल्कुल, फोन रखिएगा बस, और वहां पर ऐसे आपको कमेंट नहीं करना है। वहां पर नीचे पोल आता है, 4 ऑप्शन आते हैं आपके, ठीक है ना, क्वीज होती है वहां पर, ठीक है ना, और बहुत सारे 500-600 बच्चों में आपकी रैंक निकल करके आती है। यस, और फिर आपको सिर्फ कमेंट करना है, यस उस पर क्लिक करना है कि ऐसे ऑनलाइन एग्जाम का तरीका वहां पर चलता है। और बहुत ही गजब, मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस, मैं पिछले 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन पर, मेरा जो एक्सपीरियंस है मुझे बहुत शानदार लगा भैया, ठीक है ना। ए मोचले नेकट इज द राइट जवाब है। अब सुन लो मेरी बात, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन कीज कितनी होती है? कीबोर्ड पर 26, नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन है, कोई फालतू बात नहीं है, जल्दी जवाब दो भाई। पीडीएफ वगैरह सब आपको एप्लीकेशन पर ही पता चलेगा। पढ़ रहा हूं अभिषेक वर्मा जी, आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूं, बिल्कुल। कंप्यूटर मास्टर भी हमारे साथ में जुड़े, बिल्कुल कंप्यूटर मास्टर जी। सतपाल सिंह जी बिल्कुल, NTPC में भी आता है साहब। भाई मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको 100% समझा पाऊँ। अब सुन लो बात मेरी, 12 कितनी होती है भाई? F1 से लेकर के F1, आप कई लोग तो ये समझ रहे कि फंक्शन का मतलब क्या हो गया, फंक्शन का कोई प्रोग्राम तो नहीं हो गया, बिल्कुल F1 से लेकर के F12। और मैंने तो जब पढ़ाया तो ये भी बताया कि F1 क्या काम करता है, F2 क्या करता है, F3 क्या करता है, F12 तक मैंने आपको बताया। हेल्प में F1 यूज करता है, F12 के अंदर सेवेज का यूज करते हैं, F5 में रिफ्रेश में यूज करते हैं। यस 10 कीज नहीं होती है भैया, 12 कीज होती है। कुल फंक्शन कीज कितनी होती है? 12, 12 होती है। यस अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, किसी प्रोग्राम में मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम कोड? भाई कोई प्रोग्राम हमने बनाया, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वगैरह किसी प्रोग्राम ने डेवलप किया तो उसको हम क्या कहते हैं, जो हम पढ़ सकते हैं? सोर्स कोड कहते हैं, प्रोग्राम कोड कहते हैं, सिस्टम कोड कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। 27 का जवाब ठोको भैया फटाफट से, 27 का जवाब ठोक दो फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड, बार यस। दीप्ति कह रही है एप्लीकेशन पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब सुन लो, सबके पास में मोबाइल है, सब देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको अपने प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में सुन लेना मेरी बात, प्ले स्टोर में जाना, वहां डालना अन अकेडमी लर्निंग ऐप, लर्निंग ऐप अन अकेडमी, ये डालना स्पेलिंग अन अकेडमी लर्निंग ऐप।
डालना, डाउनलोड कर लेना, यानी इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल के अंदर। इंस्टॉल कर लिया, साइन इन मांगेगा, आपके मोबाइल नंबर डाल देना, आपकी ईमेल डाल देना, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं आपके विश्वास के लिए, ठीक है ना, विश्वास कीजिएगा। साइन इन कर लीजिएगा, ईमेल उसमें डालने के बाद में आप कोई कौन सी कैटेगरी में पढ़ना चाहते हैं कि भाई आरपीएससी राजस्थान लेवल का एग्जाम देंगे, एसएससी लेवल का एग्जाम देंगे, बैंक लेवल का, यूपीएससी लेवल का, आईआईटी जी, सब बहुत सारे दे रखे, कोई भी आप जो पढ़ना चाहते हैं, जिसकी एक टारगेट ले लेना आप, ठीक है ना। आप सर्च करना ऊपर वाले ऑप्शन के अंदर, वहां पर पंकज कुमार, पंकज कुमार फ्री क्लासेज, वहीं स्पेशल क्लासेज, फ्री क्लासेज, पंकज कुमार, मैं दिख जाऊंगा वहां पर, मेरी फोटो दिख जाएगी आपको, ध्यान रखना, लगभग 600 के लगभग फॉलोवर्स हैं मेरे, यस हाँ, अभी जस्ट मेरे को 20-25 दिन हुए, ज्यादा नहीं हुए पढ़ाते हुए, तो सोच लीजिएगा कितना गजब तरीके से मैं बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। रोज वहां पर क्लासेज होती है, 11:15 बजे राजस्थान जी की क्लास होती है, 11:15 बजे राजस्थान जी की क्लास लेता हूँ, दोपहर को 2 बजे, शाम को 5 बजे रेलवे, एसएससी, इनके लिए मैं जीके की क्लास लेता हूं, इंडियन जीके की क्लास लेता हूं, रात को 9 बजे कंप्यूटर क्लास लेता हूं, सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास लेता हूं, समझे, रेगुलर कार्यक्रम चलता रहा, बहुत जल्दी रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाला हूं। यस, ए इज राइट आंसर, सोर्स कोड इज राइट आंसर, नंबर 27 का सोर्स कोड इज राइट आंसर भैया, मोहम्मद इरम जी, यस। कई लोग कह रहे हैं, कई लोग पूछ रहे हैं बार बार, ये किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किस, मैं बता देता हूं, जहां भी बेसिक कंप्यूटर आने वाला है उन सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां भी बेसिक कंप्यूटर आने वाला है उन सब के लिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां भी बेसिक कंप्यूटर आएगा। बोले हुए शब्द को टाइप करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, व्हाट इज ए डिवाइस यूज टू टाइप ए स्पोकन वर्ड, ऑडियोफोन, डेक्टाफोन, ग्रामोफोन या माइक्रोफोन। 28 का जवाब ठोकिए फटाफट से। प्रोग्राम कोड कह रहे थे, गलत जवाब था भैया, सोर्स कोड होगा जवाब उसका। लवप्रीत कह रहे हैं, सर मेरा आंसर का रिप्लाई नहीं करते सर। अच्छा आप पूछ लो भाई, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं करूं क्या। मनीष यादव कह रहे हैं, अनअकैडमी पर टाइम क्या क्या है। यस, फिर भी अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, किसी को कोर्स खरीदना है तो ध्यान रखिएगा, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत आती है पीडीएफ वगैरह के लिए, आपको किसी प्रकार का कोई कॉन्टेक्ट करना है, तो ये टीम है, पंकज सर जीके की टीम है, आपको पूरी हेल्प की जाएगी, सब्सक्रिप्शन के लिए आपको हेल्प की जाएगी, ध्यान रखेगा। बहुत सारे बच्चे कोर्स खरीद रहे हैं इस चीज के लिए, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। आप ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप फ्री क्लासेस के लिए, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए भी, आप जितने भी टाइम टेबल वगैरह जो चल रहे हैं उन सब के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, यहां पर समझ गए, टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी, पंकज सर जी के यानी मेरी टीम का नंबर है, यह ध्यान रखेगा इस चीज के बारे में आप, चलेगा। कमलजीत कौर बिल्कुल बिल्कुल समझ गए बात मेरी, चलेगा चलेगा, वेरी गुड वेरी गुड। अगला आपको बताइए, इसका जवाब दीजिए फटाफट से आप लोग। बोले हुए शब्द को टाइप करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ऑडियोफोन, डिक्टाफोन, ग्रामोफोन या माइक्रोफोन। 28 का जवाब ठोकना है। मनीष यादव कह रहे हैं, अनअकैडमी पर टाइम क्या, भैया बता दूं, अनअकैडमी पर टाइम सुबह 8 बजे करंट अफेयर, 11:15 बजे यानी 1.5 घंटे का चलता है, 90 मिनट चलता है, राजस्थान जीके की टॉप एमसीक्यू, दोपहर को 2 बजे, शाम को 5 बजे इंडियन जीके चलती है, रेलवे, एसएससी सबके लिए, पटवारी, राजस्थान पुलिस जिसके अंदर भी इंडियन जीके आएगी उसके लिए, रात को 9 बजे चलती है कंप्यूटर, समझ गए ना। यूट्यूब पे टाइमिंग बता देता हूँ, वाईफाई 2.0 सिर्फ एक जगह ही क्लास लेता हूँ, रोज शाम को 7 बजे इस प्रकार से क्लास चलती है, समझ गए ना, इस प्रकार से क्लास चलती है बिल्कुल। यस, डिक्टाफोन इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, पावर ऑफ वर्ड्स कह रहे हैं, बिल्कुल पावर ऑफ वर्ड, ये जिंदगी इसलिए जी रहा हूं मैं, बातों से ही जिंदगी जी रहा हूं पता आपको, मैं नहीं तो मैं जीता ही नहीं। डिक्टाफोन, डिक्टाफोन है वो, उसको बोलेंगे तो वो क्या करेगा, टाइप कर देगा, डिक्टाफोन इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, कंप्यूटर में यूज होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है, व्हाट इज आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर, प्लास्टिक, तांबा, स्टील या सिलिकॉन। नंबर 29 का जवाब दीजिएगा। विमला, मोना, अतुल भाई आपको थोड़ी बीच बीच में जानकारी भी तो देना जरूरी है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनका भी तो, अब आप लोगों क्या है, आपको तो पूरी दुनिया का ब्रह्मांड का सारा ज्ञान है, समझ रहे हो। यस बिल्कुल बिल्कुल, डी इज राइट आंसर, नीरेंद्र, के सैन, यस वेरी गुड, सिलिकॉन, सिलिकॉन भैया, जो सिलिकॉन है सिलिकॉन से बनी होती है आईसी चिप, बिल्कुल बिल्कुल, यस
यस यस सुनिएगा भाई, वाट एवर कह रहे हैं, बिल्कुल आप कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ भैया। मैं यहाँ पर सिर्फ सैटरडे संडे आता हूँ, जो बच्चे कह रहे हैं जिनको रेगुलर क्लास लेनी, इसलिए अनअकैडमी ऐप के बारे में बार बार बात कर रहा हूँ। समझ गए बात मेरी, कि ताकि आप लोग रेगुलर वहाँ पे क्लास ले सके, और कोई बात नहीं है, समझ गए ना। यस, तुम्हारे आने नहीं आने से उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो फिक्स जो मेरा पेमेंट है वो तो मैं लेता हूँ, समझ रहे हो बात मेरी, बस ये। यस आशु कुमार राइट जवाब है। यस सिलिकॉन, भारत में सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं बताओ, सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, जल्दी कमेंट करो। सिलिकॉन सिटी सेमीकंडक्टर होता है, ऐसी चीज। वेरी गुड वेरी गुड, दीजिएगा सिलिकॉन सिटी। अजित कुमार सक्सेना आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत बधाई, वेरी गुड वेरी गुड। यस भैया ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन सिटी कहलाती है बेंगलुरु। वेरी गुड, बेंगलुरु इज राइट आंसर, बेंगलुरु इज राइट आंसर सबका, बेंगलुरु वेरी गुड वेरी गुड, बेंगलुरु डी इज राइट आंसर है, सिलिकॉन सिटी वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, विंडोज 98, सी प्लस प्लस, जावा या पास्कल, कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, नंबर 30 का जवाब दो आप लोग। यस कई लोग कह रहे हैं ना सर थोड़ा सा धीरे धीरे ले रहे हो, जल्दी आप जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। लो भैया कितनी स्पीड से कर सकते हो आप, लो फटाफट, ये स्पीड वाला काम सारा एप्लीकेशन पर होता है पता है आपको, कम से कम 50-50 क्वेश्चन लेते हैं हम 60 मिनट के अंदर, बता बता के समझा समझा के सारे, सिर्फ वहां पे कमेंट करना। यस कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में, बताइए कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अरे कंप्यूटर की लैंग्वेज सी प्लस प्लस है, जावा भी है और पास्कल सब लैंग्वेज है। 98 आपको पता है, ये विंडोज की बात कर रहा है, ये एप्लीकेशन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें आ जाता है, विंडो विंडो 98 अभी तो बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाता है, ए होगा ए, नहीं है कह रहा नहीं है, जो है वो तो सी प्लस प्लस जावा पास्कल बिल्कुल तीनों होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता, When is World Computer Literacy Day celebrated? 5 जुलाई, 2 दिसंबर, 14 नवंबर, 4 नवंबर, जल्दी जवाब दो भाई फटाफट से जवाब ठोक करके दो, 5 जुलाई को, 2 दिसंबर को, 14 नवंबर को या 4 नवंबर को, सॉर्ट आउट भी कर दो इनको, सुनो सॉर्ट आउट कर दो सब। जो गंदे उनको निकाल देना, ब्लैक कलर की ओर पड़ी उधर, बिल्कुल बिल्कुल दीजिए जवाब, नंबर 31, वेरी गुड। 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस, क्यों मनाया जाता है, लोगों को कंप्यूटर के प्रति क्या करने के लिए, जागरूक करने के लिए, लोगों को कंप्यूटर के प्रति क्या बताने के लिए, कंप्यूटर इतने ज्यादा काम कर सकता है, लिटरेसी, उनको कंप्यूटर में साक्षर करने के लिए, कंप्यूटर में एजुकेटेड करने के लिए, आपको पता है कंप्यूटर हर जगह यूज करता है। यस यस चले अगला लीजिए, पहला भारतीय सर्वप्रथम कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा, यस पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहां लगाया गया था, बंद कर दो उसको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली 1973, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 1971, इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1955, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड 65 के अंदर किया गया था, जल्दी बताइए। ये तो जो दे रखा है पीछे ये सन है और ये संस्था का नाम दे रखा है, पूछा कब व कहां, ये कब में आ गया, ये कहां में चला गया। यस सर 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 यस गुड राइट जवाब आप सब लोगों का, सी इज राइट आंसर है, इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1955 के अंदर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, सी इज राइट आंसर है जी, बिल्कुल सी इज राइट आंसर, चले सी राइट आंसर है नंबर 32 में। यस बिल्कुल, सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिकल संस्था है कोलकाता में 1955 के अंदर इसका क्या किया गया, यूज किया गया, सी इज राइट आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, गणना संयंत्र एबकस का आविष्कार किस देश में हुआ, एबकस का नाम सुना होगा आपने, ए बी ए सी यू एस, एबकस इसका आविष्कार है वो कहां हुआ,
हेलो वेलकम, जितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज एक बार लाइक ठोक दो। आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट से लाइक ठोक दीजिए भाई, प्यारे विद्यार्थियों लाइक ठोकते रहो, जितने भी लोग हैं लाइक ठोकते रहिए भैया। बिल्कुल राइट जवाब है सी, चीन में। यस चीन, सी इज राइट आंसर है जी, बिल्कुल। विमला, मनीषा, मनीष सबका बिल्कुल भैया, चीन चाइना में हुआ था। अबेकस है वो लकड़ी का ऐसा धातु सा बना हुआ है जिसके अंदर ऐसे तार लगे होते हैं और जिसमें इस प्रकार से ऐसे, समझ गए बात मेरी, इस प्रकार से वो गणना करे, कैलकुलेटर डिवाइस है। यस चीन इज राइट आंसर, बिल्कुल चीन इज राइट आंसर। भारत नहीं होगा भैया, अभी भारत नहीं होगा जहां से कोरोना आया है। बिल्कुल देवी का भगेल सी राइट जवाब, बिल्कुल ठीक है ना। चीन सी इज राइट आंसर, यस यस गुड। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है भाई, प्रोग्राम को डेवलप, विच इज द फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर, फोर्ट्रॉन, अरोगल, ठीक है ना, पायलट या बेसिक। नंबर 34 का सबसे पहले जो प्रोग्राम को क्या करने के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी, प्रोग्राम हेतु जो डेवलप प्रोग्राम बनाने के लिए, यस बताइए। 34 में बेसिक कह रहे हैं कुछ नहीं साहब, फोर्ट्रान जो लैंग्वेज थी, बिल्कुल आर मीना जी आपका भी कमेंट पहले, जो फोर्ट्रान लैंग्वेज थी ए होगा राइट जवाब इसका, फोर्ट्रान जो लैंग्वेज थी वो सबसे पहले कंप्यूटर के प्रोग्राम है ना, एक वैज्ञानिक भाषा है। कैसी भाषा है, एक वैज्ञानिक भाषा है ना। तो भाई क्या होता है, प्रोग्रामर यूज करते हैं इसको, जो प्रोग्राम बनाते हैं प्रोग्राम डेवलपर जो होते हैं उसको प्रोग्रामर कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं। तो फोर्ट्रान एक वैज्ञानिक भाषा, जो सबसे पहले ये भाषा क्या की गई थी, कौन सी मतलब विकसित की गई थी, फोर्ट्रान आएगा, बेसिक नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थियों, फोर्ट्रान राइट आंसर होगा। चले और कितना तेज पढ़ाऊं, अगला लीजिएगा, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है, प्रोसेसर, प्रिंटर, मदरबोर्ड या फोन लाइन के साथ में। 35 पर जवाब दीजिएगा, यस अच्छा अच्छा फोरट्रान की फुल फॉर्म पूछ रहे, फोरट्रान की धारणा क्या, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलो बताओ इसका, बताओ मोडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है, मैंने क्या कहा था, लाइक नहीं ठोकोगे तब तक नहीं जाऊंगा। यस 500 ज्यादा का टारगेट हमने रखा है, कुछ लोग करें मदर, अरे सुन लो मोडेम का, अगर मोडेम का जो बात आ जाए, फोन लाइन अगर बात करें हम कंप्यूटर के अंदर, मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, ठीक है ना। कंप्यूटर इंटरनेट और इन सब के अंदर जो यूज किया जाता है वो किसका किया जाता है, फोन लाइन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलेगा अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, हाँ सर, हाँ बताओ सर, हाँ सर है ना, बिल्कुल बताओ क्या बात हो। अच्छा अच्छा 2 से 3 आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे कमरे में लेना ठीक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहां होती है, मेमोरी में, रोम में, रैम में या सीपीयू में, अधिकांश प्रोसेसिंग की बात कर रहा, माफी चाहता हूं बीच में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, ठीक है ना, मेरे ही अपने साथी का, बिल्कुल जल्द जवाब दीजिए। 36 यस दीपक जी राइट जवाब आपका, वेरी गुड वेरी गुड, सबसे पहले बताया है ऋषभ जगरवाल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान रखिएगा टीचर का ही फोन है भैया, वो लाइट नहीं आ रही उधर, तो इसलिए आप बहुत डेडिकेशन से पढ़ाते हैं हम लोग, क्लास मिस। सीपीयू डी इज राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल डी इज राइट आंसर है सीपीयू, यस भैया। कंप्यूटर का जो दिमाग है, दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग है, ब्रेन है, वो कौन कहलाता है, कंप्यूटर का हार्ट कौन कहलाता है, पहले बताइए। कंप्यूटर का ब्रेन आपको पता है सीपीयू, वेरी गुड, और कंप्यूटर का हृदय कौन कहलाता है, मुझे जवाब देकर के बताओ फटाफट, जल्दी जवाब देकर के बताओ, कंप्यूटर का हृदय कौन कहलाता है भाई, आप मुझसे जल्दी करवा रहे हो, आप लोग भी तो जवाब दो, वो तो मस्तिष्क हो गया दिमाग, तो नहीं साहब। अजित कुमार जी कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल
वो तो ब्रेन हो गया मनजीत जी, ब्रेन हो गया भैया, ब्रेन हो गया वो तो। भैया मदरबोर्ड में ही प्रोसेसर लगा होता, मदरबोर्ड प्रोसेसर दोनों को हार्ट कहा जाता है, मदरबोर्ड इज द राइट आंसर। की ज्योति सुमन करी कीबोर्ड, अच्छा जी मदरबोर्ड, यस यस वेरी गुड वेरी गुड, राइट जवाब। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, पैकमैन नामक कंप्यूटर किस कार्य के लिए बनाया गया था? पैकमैन, बैंक, शेयर बाजार, पुस्तक प्रकाशन या खेल? नहीं मनीष यादव जी हार्ट नहीं है, सीपीयू प्रोसेसर भी कह सकते हैं, मदरबोर्ड भी कह सकते हैं, यस मदरबोर्ड प्रोसेसर दोनों। सुनो भाई, पैकमैन नामक कंप्यूटर किस कार्य के लिए बनाया गया था? बैंक, शेयर बाजार, पुस्तक प्रकाशन या खेल? नंबर 37 पुस्तक पब्लिशिंग। ओके पैकमैन आपने खेला या नहीं खेला अभी गूगल करके जरूर देखना आप लोग। भैया पैकमैन कैसे था? ऐसे पूरा ऐसे बॉक्स सा था, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग ऐसे इसमें बना रखे थे ऐसे, ये देखिए ठीक है ना। तो कोई भी जैसे पैकमैन क्या था, ऐसे चलता था ऐसे, है ना, मैंने बहुत खेला ये गेम ऐसे, और कोई भी ऐसे आगे चलता रहता था, कोई भी आया आगे तो उसको ऐसे खाता था ऐसे, है ना, खाते हुए चलता था ये इधर, फिर हम इधर भागते थे इन गलियों के अंदर ऐसे ऐसे, और ये पीछे पीछे आता था, कभी इधर मुड़ता था, कभी इधर मुड़ता था। ये पैकमैन गेम, ये खेल था, खेल डी, खेल के लिए बनाया गया था, ना कि ये प्रोसेस ये कह रहे हो जो आप लोग कंप्यूटर पब्लिक। नो, डी इज राइट आंसर भैया, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर गेम, यस डी इज राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। चलेगा, खेला होगा आपने निकिल निक जांगरा, बिल्कुल खेला, यस यस गेम, यस वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? विश्व का सबसे पहला, 38 का जवाब दीजिएगा। लवप्रीत कौर कह रहे हैं सर कितने क्वेश्चन लेफ्ट हैं? देखो क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे, मैं 100 कराने की सोच रहा हूं, लेकिन आज मैं 40 लूंगा, बाकी का 40 कर। ध्यान रखेगा सैटरडे और संडे क्लास होती है यहां पर वाईफाई के मेन चैनल पर 12 बजे, 12 बजे से प्रभु की इच्छा तक जितनी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना, यानी कोशिश करते हैं हम 1:30 बजे तक क्लास लें। सैटरडे संडे को 12 बजे क्लास होती है वाईफाई के इस मेन चैनल जहां आप देख रहे हो, और एक चैनल और है वाईफाई 2.0, वहां मेरी रोज शाम को 7 बजे होती है, रोज शाम को 7 बजे होती है वाईफाई 2.0 पर, समझ गए? थर्टी एट में दीजिए जवाब, ठोक दो फटाफट से। गलत गलत गलत, ध्यान रखिएगा 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, जिसका नाम था क्रे, क्रे नाम था उसका, यस क्राई नहीं क्रे, सी आर ए वाई क्रे। 1976 इज द राइट आंसर है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंशिका परियार जी सिर्फ 2 दिन होती है यहां पे 12 बजे सैटरडे और संडे को, वैसे शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 पर होती है, वहां पर भी पहुंच सकते हैं आप मेरी क्लास। 76 होगा भैया, कई लोग 86 है, गलत जवाब आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के मेमोरी की इकाई है? बता रहा हूं आप लोग कह रहे हैं भैया एप्लीकेशन पर कैसे आए, बिल्कुल प्रशांत वशी जी, ओके जी यस। कंप्यूटर के मेमोरी की इकाई क्या होती है? 39 को जवाब ठोकना है, ये लीजिएगा जवाब दो फटाफट, इकाई। बिल्कुल बिल्कुल किलोबाइट, किलोबाइट यानी बी इज राइट आंसर है, किलोबाइट किलोबाइट्स, ओके बी इज राइट आंसर है, बी इज राइट आंसर किलोबाइट्स, किलोबाइट्स होगी बिल्कुल। टॉमवीर विराट कह रहे हैं पीडीएफ कहां मिलेगी? अभी प्रोसेस बताऊं, पीडीएफ कहां मिलेगी? एप्लीकेशन बता रहा हूं आपको, वहां मुझे मैसेज करना आप लोग, मैं दे दूंगा पीडीएफ आपको, ठीक है ना। अभी कुछ पेंडिंग और चल रही है, यदुवीर सिंह जी अभी थोड़ा सा मुझे शिकायत कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी शिकायत जायज है भाई। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल जर्नल, ऑप्टिकल मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स या ऑटोमेटिक? नंबर 40 का, 40 का आपको जवाब देना, जल्दी जवाब ठोको भाई, 40 का जवाब ठोकिए फटाफट से। कौन सा कंप्यूटर एक प्रकार का माउस है?
अब 40 में दो जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, सबका गजब जवाब। सुरभि, विमला, रोकी, पंचक चारण, जीतू, जीतू पासवान, ले लिया सब आपका नाम। महेश कुमार, बिल्कुल गलत जवाब आप। ऑप्टिकल और मैकेनिकल दो प्रकार के आते हैं, बी इज राइट आंसर होगा। ऑप्टिकल देखो, ये आपको जो दिख रहा है सामने, इसमें देखो ये लाइट जल रही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल इसके नीचे कुछ नहीं है, ऐसे लाइट जल रही है, जैसे हम किसी भी सतह पर चलाएंगे इसको तो ये काम करेगा, समझ गए ना। जैसे अभी देखो आपकी स्क्रीन पर, देखो ये काम करेगा, यहां पर देखो ये चला रहा हूं मैं, यहां पर ये देखिए ऐसे चल रहा है, ये ऑप्टिकल हो गया। कैसा हो गया? ऑप्टिकल। और एक और होता था, इसकी जगह पर एक रबड़ की बॉल आती थी, वो कहलाता मैकेनिकल। दो ही प्रकार के माउस है, ऑप्टिकल और मैकेनिकल, ठीक है ना। कई जगह पर आपसे पूछ ले, जैसे माउस के टाइप क्या होते हैं, कई तीन बताते हैं, जिसके अंदर एक वायरलेस भी हो जाता है। वायरलेस भाई, इसकी जगह क्या होता है, यहां पर रिसीवर लगाया दिया जाता है, समझ रहे हो बात मेरी। यस, टर्मिनेटर रिसीवर लगाने के बाद में, और दोनों एक दूसरे से काम करते हैं। यस बिल्कुल, दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिकल और मैकेनिकल जो आजकल यूज, सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल। बिल्कुल, बी इज राइट, ऑटोमेटिक नहीं होगा। डी जो देने, गलत जवाब। डी इज राइट, गलत जवाब आप सब लोग, डी गलत जवाब है। ये लो भाई, जो लोग कह रहे हैं साहब अनअकैडमी के एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करें, कैसे सर्च करें, तो आपका जो प्ले स्टोर में जाना, जहां से आप डाउनलोड करते हैं यूट्यूब वगैरह सारी चीजें, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ऐसे डालना है, उसको ओपन करना है, मेरा नाम सर्च करना पंकज कुमार, ऊपर साइन इन वगैरह कर लेना, पंकज कुमार नाम सर्च करना, एजुकेटर्स दिखेंगे, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे अपने साथी हैं, 2K फॉलोवर, ये मैं नहीं हूं, ध्यान रखना, मैथ पढ़ाते हैं ये। तो आपको सी ऑल पर क्लिक करना, सी ऑल पर, जैसे सी ऑल पर क्लिक करेंगे काफी लिस्ट दिखेगी, नंबर 5 पर, बिल्कुल दिव्या सोलंकी जी, कंप्यूटर क्लास चल रही है साहब, यहां पर ये करना आपको फॉलो, मेरे को जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। इस प्रकार से फोटो टीचर्स इन आरपीएससी आई, मैं जीके टीचर, 8 ईयर एक्सपीरियंस तुरंत। जिसको अभी भी नहीं मिल पाऊं, तो अभी जो अपना ये सेक्शन है दाने के का, जो अभी एक वीडियो खत्म हो रहा है, इसके कमेंट सेक्शन के अंदर मेरा सबसे पहले प्रोफाइल वो लिंक कर दूंगा मैं, समझ गए ना। यस, सबसे पहले मेरा प्रोफाइल है वो लिंक कर दूंगा। जितने भी लोग आए फटाफट से वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। आप 370 हो चुके हैं, लेकिन आपने 500 नहीं पहुंचाया भैया। आज 370 लाइक हुए हैं, सिर्फ 370 लाइक ठोक दीजिए। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं ठोका है, लाइक ठोक दीजिए आप लोग। भैया टोटल 370 हुए हैं, आपने अभी तक 500 लाइक नहीं किए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोर्स खरीदना हो तो मेरा कोड इस्तेमाल करना है। देखो कई लोग अनअकैडमी में बेहतरीन तरीके से शानदार शानदार टीचर पढ़ा रहे हैं। किसी को भी कोर्स खरीदना हो, चाहे से एसएससी के लिए काम करें, चाहे से रेलवे के लिए, चाहे से बैंक के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, आरपीएससी के लिए, यूपीएस, कोई भी हो सकता है, उसमें सब में एक कोड काम करेगा। 10% का डिस्काउंट जो आपको दिलाएगा, 10% का जो डिस्काउंट आपको दिलाएगा, उस कोड का है PNKJ10। ये दिख रखा है PNKJ10, ये आपको 10% का डिस्काउंट दिलाएगा प्यारे विद्यार्थियों। यस, कितने का डिस्काउंट दिलाएगा? 10% का आपको क्या दिलाएगा? डिस्काउंट दिलाएगा। यस, PNKJ10 है ये, 10% का आपको क्या दिलाएगा? डिस्काउंट दिलाएगा। यस, जितने भी लोग हैं फटाफट से लाइक ठोक दीजिए। मात्र 383 लाइक किया आपने, मात्र 383 किया आपने, जल्दी से फटाफट 400 तो कर दो लाइक एक बार। जिन लोगों को नहीं मिल रहा, इस प्रकार से पंकज कुमार नाम से एप्लीकेशन पर सर्च कर लेना। एप्लीकेशन कैसे मिलेगी, सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, सारी चीजें आपको समझा चुका हूं, समझ गए ना। मेरी क्लासेज कैसे कैसे होती है, एक बार उसका भी शेड्यूल सुन जाओ आप लोग, ये देख लीजिएगा। देखिएगा मेरी क्लास, अभी ये जिस चैनल पर देख रहे हैं आप, वाईफाई स्टडी पर, ये वाईफाई स्टडी जहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर सिर्फ मेरी क्लास सैटरडे और संडे को होती है, दोपहर को 12 बजे होती है मेरी क्लास, ठीक है ना। अगर बात करें वाईफाई 2.0 पर, तो वाईफाई 2.0 पर ये क्लास रोज शाम को 7 बजे होती है, डेली शाम को, आज भी क्लास होगी शाम को 7 बजे, समझ गए ना। यस, अजीत कुमार जी कह रहे हैं, बिल्कुल अजीत कुमार जी, यही सैटरडे संडे को ये, और वाईफाई 2.0 पर रोज शाम को 7 बजे। और जिनको एप्लीकेशन पर क्लासेज है वो बता देता हूं, उनका टाइमिंग क्या क्या है मैं आपको बता दूं। राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, 11:15 बजे आपको राजस्थान जीके मिलेगा, सुबह 8 बजे करंट अफेयर मिलेगा, दोपहर को 2 बजे, 5 बजे आपको इंडियन जीके मिलेगा, एसएससी बैंक वगैरह सबके लिए, ठीक है ना, और 9 बजे मिलेगा कंप्यूटर। यस, 8, 11:15, 2, 5 और 9। यस, बता दिया मैंने। जितने भी लोग जुड़े लाइक ठोक दीजिए आप लोग फटाफट से। मात्र 386 लाइक किए अभी भी मात्र 9 लाइक किए। बिल्कुल, थैंक यू राज हरियाल जी, लाइक कर रहे हैं मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी लोग जुड़ते हैं प्लीज एक बार लाइक जरूर कर ठोक दिया करें आप लोग, जितने भी लोग जुड़ते हैं लाइक ठोक दो भैया, लाइक ठोक दो आप, तुरंत लाइक ठोक दो। वाइट देवी, ओके ओके, दिव्या सोलंकी, ओके ओके दिव्या जी, बिल्कुल सब फ्री है,
बिल्कुल, ये सब फ्री है, सारी क्लासेस जो एप्लीकेशन है बिल्कुल फ्री है, कोई कोई पैसा नहीं ले, कोई चार्जेस नहीं है वहां पर। एनटीपीसी अजय मेहरा जी बता दिया, एनटीपीसी के लिए 2 बजे 5 बजे रात को 9 बजे, समझ गए मेरी बात आप? अजय मेहरा जी बिल्कुल 2 बजे 5 बजे और 9 बजे क्लास होती है, यस बिल्कुल जी बिल्कुल। सुबह 8 बजे करंट अफेयर, 11:15 बजे जो बच्चे राजस्थान जीके की तैयारी के तो राजस्थान जीके की क्लास होती है, ठीक है ना। 2 बजे और 5 बजे इंडियन जीके की क्लास होती है, किसकी होती है? इंडियन जीके की क्लास। रात को 9 बजे कंप्यूटर की थ्योरी प्लस मिक्स एमसीक्यू होते हैं, बिल्कुल। दिव्या सोलंकी कह रहे हैं आप कहां से हो सर? मैं जयपुर से हूं साहब, जयपुर से। लवप्रीत कौर कह रही है बैंक की सर, बिल्कुल बैंक के लिए ध्यान रखना, ये आपका ये तो करंट अफेयर है यहां पर और आपका कंप्यूटर, ये दो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी साहब। टाइमिंग आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर जाइएगा वहां टाइमिंग आपको बता देंगे पूरा का पूरा। बिल्कुल प्लेलिस्ट बन रखे। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ यस या नो, क्लास कैसी लगी? रेगुलर रखें इस क्लास को, यस या नो, अच्छी लगी या बुरी लगी बताइए। क्या आपको यह क्लास अच्छी लगी? यस या नो का कमेंट करके बताइए। क्या यह क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं? यस या नो का कमेंट करके बताइए तुरंत एक बार, फिर मैं क्लास समाप्त कर रहा हूं भैया, आज की आज का जो सेशन है वो समाप्त कर रहा हूं। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज एक बार कमेंट करके ठोक के दीजिए जवाब फटाफट से प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वेरी गुड वेरी, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 400 लाइक हो चुके हैं हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद 400 लाइक देने के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे विद्यार्थियों। 400 लाइक हो चुके हैं भैया, 400 लाइक देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो 500 टारगेट रखा था, अभी भी 100 कम रह गए क्योंकि आपने शेयर नहीं की क्लास। कल आऊंगा, कल यहीं पर दोपहर में 12 बजे क्लास होगी, ध्यान रखना। कल कितने बजे होगी? दोपहर में 12 बजे क्लास होगी, यस। ऋषभ कह रहे हैं यस बुरी नालायक, थैंक यू यस मस्त नाइस ग्रेट वेरी गुड थैंक यू मिस यू यस ओके जी ओके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ में जुड़ने के लिए। कल ठीक 12 बजे मिलूंगा, आप लोग शेयर कर देना, यस चलेगा। ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देना है, ठोकना है सर मैंने भी लाइक कर दिया 2 बार। अरे श्वेता सिंह जी 2 बार नहीं, 1 बार ही करना है, फ्री है, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। कैलाश परियार जी बिल्कुल फ्री है एप्लीकेशन पर, यस बहुत बहुत धन्यवाद। 403 आपने लाइक दी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।